चलिए जी बेटा, आज रिवीजन कर रहे हैं आपके साथ जीएसटी में जो वैल्यूएशन के प्रोविजंस हैं उनकी। तो इस चार्ट को मैं रिवीजन के पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अब चार्ट हमारा ये बता रहा है कि एक सप्लायर है, उसने किसी पर्सन को सप्लाई करी, और आप ये जानते हैं कि सप्लाई गुड्स या सर्विसेज की कभी भी की जाती है तो सप्लाई के ऊपर जीएसटी आता है। और आप ये भी जानते हैं कि सप्लाई फॉर कंसिडरेशन भी हो सकती है एंड विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकती है। सेक्शन 7 में सप्लाई बताई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि नॉर्मली सप्लाई जो होगी वो बिजनेस एंटिटी फॉर कंसिडरेशन करेगी, और फॉर कंसिडरेशन आप किसी भी फॉर्म में करो वो सप्लाई माना जाता है। हाँ, बिजनेस एंटिटी अगर विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ काम करेगी तो विदाउट कंसिडरेशन वाले सारे काम तो नहीं, बट कुछ सिलेक्टेड काम जो है वो सप्लाई माने जाते थे, और वो हमारे शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड थे। वो हमारे पास चार पैराज में चार एक्टिविटीज बेसिकली उन्होंने स्पेसिफाई करके दी थी। तो यहाँ अकॉर्डिंगली मैंने लिखा कि सप्लायर ने जो है वो सप्लाई करी है, और वो सप्लाई जो है एज पर सेक्शन 7 दैट मे बी फॉर कंसिडरेशन, विच मे बी मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, और दैट मे बी विदाउट कंसिडरेशन अगर वो शेड्यूल 1 पैरा 4 में आ रही है। तो अगर ट्रांजेक्शन फाइनली सप्लाई है तो पर्सन को उसके ऊपर जीएसटी जो है वो पे करना है, और जीएसटी जो पे करना है वो उसे सेल्फ असेस करके निकालना होता है। सेल्फ असेसमेंट करने के लिए, अब उस जीएसटी की कंपटीशन के पर्पस के लिए उसे दो चीजें चाहिए होगी कि जो उसने सप्लाई करी है उसकी वैल्यू और उसके ऊपर एप्लीकेबल रेट। सो फार एज रेट्स आर कंसर्न, मेरी सप्लाई पर एप्लीकेबल रेट क्या है उसके लिए रेट्स के जो शेड्यूल नोटिफाइड है वहां जा करके मैं फिक्सअप करता हूँ कि ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल रेट है। वंस आई हैव फिक्स अप द रेट विच मे बी 5, 12, 18, 28%, उसके बाद मुझे क्या देखना होता है, वैल्यू। एंड जीएसटी में जो वैल्यूएशन के प्रोविजंस है वो लेट डाउन किए गए हैं अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आप सेक्शन 15 वैल्यूएशन के प्रोविजन लेट डाउन करता है जो कि इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर लगेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर सेम प्रोविजन लगेंगे बिकॉज सेक्शन 15 जो है वो वहां भी बोरो किया गया है। अब सेक्शन 15 जो है बेटा वो सभी वैल्यूएशन के केसेस को हैंडल करता है। अब सेक्शन 15 का स्ट्रक्चर क्या था, सेक्शन 15 में उन्होंने बोला था कि आपके एक तो है नॉर्मल वैल्यूएशन प्रोविजन जो ज्यादातर केसेस में लगेंगे, और एक आपके हैं स्पेशल वैल्यूएशन प्रोविजन जो सिलेक्टेड नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने अलग से कर रखे होंगे उनके ऊपर लगेंगे। सेक्शन 15 में हमारे पास दो बातें हैं, एक है नॉर्मल वैल्यूएशन प्रोविजंस जो मोस्ट ऑफ द केसेस में लगने हैं, और दूसरा हमारे पास है स्पेशल वैल्यूएशन प्रोविजन जो कि नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में लगने हैं, जिस पर किसी खास वजह से हमने स्पेशल सिस्टम जो है वो बनाया है। पहले बात हम करते हैं नॉर्मल वैल्यूएशन प्रोविजन के जो मोस्ट ऑफ द केसेस में लगते हैं। अब हमारा नॉर्मल वैल्यूएशन प्रोविजन क्या था, वो उन्होंने ये बोला था जी नॉर्मली जो वैल्यूएशन होगा उसकी स्टोरी स्टार्ट होगी सेक्शन 15(1) से, उसकी स्टोरी स्टार्ट होगी सेक्शन 15(1) से। अगर आपने जो सप्लाई करी वो अनरिलेटेड पर्सन को करी एंड आपने उससे जो कंसिडरेशन लिया वो प्राइस मनी लिया, प्राइस सोल कंसिडरेशन के तौर पर लिया, कोई नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। आपने अगर सप्लाई करी अनरिलेटेड पर्सन को एंड कंसिडरेशन मॉनेटरी कंसिडरेशन है, प्राइस है, नथिंग एल्स, तो फिर सेक्शन 15(1) जो होगा वो पिक्चर में आता था। और सेक्शन 15(1) हमारा कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी ट्रांजेक्शन वैल्यू। एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू को उन्होंने सिंपली बोला ट्रांजेक्शन वैल्यू इज सिंपली प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई। तो आप जिस भी रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहे हो वो सप्लाई के बदले में जो भी प्राइस आपको एक्चुअली पेड और पेबल कर रहा है दैट इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू। जीएसटी वाला उसको जो होगा सेक्शन 15(1) में वैल्यू ऑफ सप्लाई यूज करेगा। पर उन्होंने 15(2) में साथ में ये बोला जो भी प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल होगा सप्लाई का उसमें कुछ पांच स्पेसिफाइड फैक्टर्स उन्होंने करके दिए 15(2) में, बोला कि वो जो होंगे वो ऐड किए जाएंगे। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेक्शन 15(3) ने ये बोला कि अगर आपने अपने रेसिपिएंट को सप्लाई में डिस्काउंट ऑफर किया है और उससे नेट रिजल्ट में कम प्राइस चार्ज किया है तो डिस्काउंट का जो होगा वो एक्सक्लूजन आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू में से किया जाएगा। तो नेट रिजल्ट में अगर पूछूं ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है तो दिस इज बेसिकली प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल प्लस 15(2) के एडिशंस माइनस 15(3) का डिस्काउंट, ये आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू जो होगी वो कंप्यूट होकर के आएगी। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल एंड सेक्शन 15(2) के एडिशन एंड देन सेक्शन 15(3) का डिस्काउंट का एक्सक्लूजन। अब सेक्शन 15(2) में इंक्लूजन्स क्या क्या थे, तो पांच इंक्लूजन्स उन्होंने बताए थे। नंबर वन में उन्होंने बोला था अगर आप सप्लाई का वैल्यूएशन करने बैठे हैं जीएसटी के लिए तो जितने भी नॉन जीएसटी टैक्सेस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हैं वो सारे जो होंगे वो सप्लाई की वैल्यू बनेंगे।
वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते टाइम अगर कोई नॉन जीएसटी टैक्सेस इन्वॉल्व है, जैसे अगर आप टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल कर रहे हैं तो टोबैको पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी, तो जीएसटी कंप्यूट करते टाइम वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो होगी वो सेल प्राइस के साथ वैल्यू में इंक्लूड की जाएगी। ये था पहला फैक्टर। फिर उसके बाद उन्होंने 15(2)(b) में उन्होंने बोला था कि आपने सामने वाले के साथ सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट किया, एक सप्लाई का प्राइस फिक्स किया, लेकिन जब सप्लाई करने की बारी आई तो सप्लाई करने के टाइम पर आपने क्या किया, कुछ खर्चा जो आपका था कॉन्ट्रैक्ट में वो आपने रेसिपिएंट से करवा दिया, और रेसिपिएंट से जब वो खर्चा करवा दिया तो आपने फर्दर क्या किया, उस खर्चे को अपना सप्लाई के प्राइस में से रिड्यूस करते हुए बैलेंस की बिलिंग जो थी वो कर दी। तो आपका सप्लाई प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में तय कुछ और हुआ था, लेकिन आपने सप्लाई करते टाइम कुछ खर्चा रेसिपिएंट से इंकर करवाया और उसको आपने वैल्यूएशन से बाहर करके नेट रिड्यूस प्राइस की बिलिंग कर दी। तो 15(2)(b) आपका ये कहता था, इस केस में आपने गलत किया क्योंकि आपका एग्रीड प्राइस कुछ और था, आपने उससे खर्चा करा के माइनस करके वैल्यू कम करी है, तो हम क्या करेंगे, उस खर्चे को वापस जो होगा वो एड बैक करके प्रॉपर वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होगा वो निकालेंगे। और ये जो 15(2)(b) था, इस पर आपने हमारे साथ एक स्पेशल केस स्टडी देखी थी जिसमें हमने बात करी थी कि एक हमारे पास था कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर और सामने हमारे पास था एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से कह रहा था कि हमें आपसे एक कंपोनेंट चाहिए, वो कंपोनेंट आप बना करके देंगे, लेकिन मोल्ड्स एंड डाइज उस केस में जो है वो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर था उसने सप्लाई करी थी, और उस पर सीबीआईसी का सर्कुलर आया कि अगर एक पर्सन कंपोनेंट बना करके सामने किसी को बेच रहा है एंड मोल्ड्स एंड डाइज वो वाले व्यक्ति से आ रही है, तो वो जो मोल्ड्स एंड डाइज फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास आई है उसका वैल्यू का एडिशन करना है या नहीं करना है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैसा तय हुआ था। अगर पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ था जिसमें शुरुआत से ये बात तय थी कि रेसिपिएंट अपना मोल्ड्स एंड डाइज भेजेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में रेसिपिएंट को मोल्ड्स एंड डाइज भेजना था तो फिर सप्लायर का वो ऑब्लिगेशन नहीं था, सप्लायर उस केस में मोल्स एंड डाइस की वैल्यू का कुछ भी एडिशन नहीं करेगा। बट ऑन दी अदर एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये तय हुआ था कि मोल्स एंड डाइस सप्लायर का रहेगा, बाद में उसने रेसिपिएंट की तरफ उस एक्सपेंडिचर को शिफ्ट कर दिया और कम वैल्यू की बिलिंग करी, तब उस केस में जो होगा वो एडिशन किया जाएगा। आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट। और उसके बाद हमारे पास थर्ड एडिशन था 15(2)(c) में। 15(2)(c) हमारे पास ये कहता था कि अगर सप्लायर जो है वो सप्लाई करता है, सप्लाई करते टाइम सप्लाई का प्राइस लेता है, बट साथ में कुछ और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक पैकिंग एंड कमीशन या कुछ और काम वो करता है सप्लाई से कनेक्टेड, उसके कुछ खर्चे जो है वो रेसिपिएंट से ले लेता है, तो फिर ये जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है या वो खर्चे जो उसने सप्लाई करने के टाइम तक किए हैं वो सारे जो होंगे वो सप्लाई की वैल्यू में जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। एंड इसमें हमने बेटा एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस की लिस्ट पड़ी थी, पैकिंग का खर्चा आपने सेपरेटली रिकवर किया ऐड हो जाएगा, आपने एजेंट को कमीशन दिया वो अपने बायर से सेपरेटली रिकवर किया ऐड हो जाएगा, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस, इंस्टॉलेशन, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, इस तरीके के चार्जेस आपने लिए वो भी जो होंगे वो वैल्यूएशन में ऐड हो जाएंगे। अच्छा, इसमें हमने एक स्पेशल एनालिसिस किया था फ्रेट का, आप अपने बायर को गुड्स बेच रही हो और फ्रेट जो है साथ में इंकर हो रहा है, फ्रेट के एडिशन को लेकर के हमने अलग अलग स्टोरी बना करके जो था वो एनालिसिस किया था, मैं रिवाइज कराता हूँ। आप जब भी बायर को गुड्स बेचोगे और सेल ऐसी है जिसमें गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, तो उसमें मैंने आपको बोला था सेल दो तरीके से होती है, एक आपकी होती है FOR सेल, दूसरी आपकी होती है एक्स फैक्ट्री सेल। एक्स फैक्ट्री सेल का मतलब क्या होता है, सप्लायर कह रहा है मैं अपनी फैक्ट्री अपनी प्रिमाइज गेट पर गुड्स हैंड ओवर करूंगा, रेसिपिएंट खुद से ट्रांसपोर्टेशन हैंडल करेगा। FOR का मतलब होता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि रेसिपिएंट आपको मैं आपके डोर स्टेप पर जो होगा वो गुड्स अवेलेबल कराऊंगा। एंड इट इज ऑब्वियस, अगर मैं अपने प्रिमाइज पर डिलीवरी दे रहा हूँ तो मैं सेल प्राइस अलग चार्ज करूंगा, मैं अगर उसकी प्रिमाइज पर डिलीवरी दे रहा हूँ रेसिपिएंट की तो फिर मैं प्राइस को जो होगा वो अलग चार्ज करूंगा। और इसमें पहला सिनेरियो, मैंने एक्स फैक्ट्री सेल करी, अपनी प्रिमाइज पर डिलीवरी दी, 8,000 रुपये का प्राइस चार्ज किया, द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 8,000। सेकेंड सिनेरियो, मैंने उसकी प्रिमाइज पर डिलीवरी करी और उसकी प्रिमाइज पर डिलीवरी करी तो FOR प्राइस चार्ज किया 10,000, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 10,000। थर्ड सिनेरियो, मैंने उसकी प्रिमाइज पर डिलीवरी करी, वैल्यू मैंने उससे जो प्राइस चार्ज किया वो 10,000 किया, पर अब की बार मैंने इनवॉइस में अलग अलग लिखा, मैंने लिखा जी गुड्स की वैल्यू है 8,000 और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है 2,000। डिलीवरी मैंने उसके यहाँ पर करी एज पर कॉन्ट्रैक्ट, बट प्राइस 10,000 रुपये सीधा ना लिख करके अलग अलग लिखा कि गुड्स की बेसिक वैल्यू है 8,000 और ट्रांसपोर्टेशन के पैसे लिए हैं 2,000। और मैंने आपको ये बताया था, आपने भले ही ये ट्रांसपोर्टेशन अलग लिख दिया हो आपके कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि आपने उसके डोर पर डिलीवरी देनी थी तो ये खर्चा जो है ये आपका खर्चा है, ये वैल्यूएशन में ऐड होगा।
15 टू सी में इट इज स्टिल अ एक्सपेंस कनेक्टेड विद योर सप्लाई, ऐड करेंगे इवन अदरवाइज आपकी ये सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है, मेन सप्लाई जिसमें गुड्स की है, फ्रेट जो है वो एंसिलरी सप्लाई है, उस एंगल से भी ये एग्रीगेट होना बनता है और ट्रांजेक्शन जो होगा वो गुड्स के एंगल से ट्रीट किया जाएगा एंड टोटल 10,000 के ऊपर आपको उस गुड्स का जो होगा वो GST भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद चौथा स्पेशल केस मैंने ये कराया था, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्स फैक्ट्री का है जिसमें आपने उसे अपनी प्रिमाइस पर डिलीवरी देने की बात करी है 8,000 की, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन उसकी जिम्मेवारी थी, उससे लेकिन हुआ नहीं और उसने आपसे रिक्वेस्ट करी और आपने उसकी रिक्वेस्ट पर ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया, और सिर्फ अरेंज नहीं किया, आपने ट्रांसपोर्टर को एक बार अपनी जेब से पे कर दिए और उस पैसे का रिम्बर्समेंट जो है वो आपने अपने रेसिपिएंट से ले लिया। यहां पर मैंने आपको स्पेशल एनालिसिस कराया है, ध्यान रखिएगा अगर सेल एक्स फैक्ट्री है, मेरी जिम्मेवारी प्रिमाइस के डिलीवरी देने के साथ खत्म है, मेरी सप्लाई की वैल्यू 8,000 है, अब जो मैं रेसिपिएंट के रिक्वेस्ट पर ट्रांसपोर्टर को अरेंज करके एक बार अपनी जेब से पैसे लेकर के उससे रिम्बर्समेंट क्लेम करूंगा तो वो रिम्बर्समेंट GST में आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आने से बच सकता है, वो रिम्बर्समेंट आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आने से बच सकता है, ध्यान रखिएगा मेरी वर्डिंग बच सकता है, और वो बच कैसे सकता है, अगर आपका वो रिम्बर्समेंट जो है वो आप Rule 33 में प्रूव कर दें कि वो जो रिम्बर्समेंट है वो आपके प्योर एजेंट की कैपेसिटी का रिम्बर्समेंट है जिसको Rule 33 एक्सक्लूड करने को बोलता है तो फिर वो बच सकता है। Rule 33 एट द बॉटम, Rule 33 गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बना रखा है जिसमें उन्होंने बोला बहुत बार जो सप्लायर होते हैं वो अपनी रेसिपिएंट की रिक्वेस्ट पर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में जो उन्होंने उसे देना होता है उसके अलावा एडिशनल चीजें उसके लिए अरेंज करके देते हैं उसके रिक्वेस्ट पर, और वो चीजें अरेंज करते टाइम वो एक बार अपनी जेब से खर्चा करते हैं और बाद में रेसिपिएंट से रिकवर करते हैं, तो इस तरीके के जो रिम्बर्समेंट्स होंगे Rule 33 ने स्पेसिफाई कर रखा है कि ये वैल्यूएशन से बाहर हो जाएंगे अगर Rule 33 में जो कंडीशन लेड डाउन है वो ये सेटिस्फाई करते हैं। तो Rule 33 हमारा क्या कहता है, सेपरेट रिकवरी ऑफ सर्टेन एक्सपेंडिचर बाय द सप्लायर, कि सप्लायर रेसिपिएंट की रिक्वेस्ट पर कुछ खर्चे करके उनकी रिकवरी कर रहा है, और 33 कहता है अगर वो खर्चे इंकर्ड किए गए इन द कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट ऑफ रेसिपिएंट और वो साथ में 3 शर्तें पूरी करते हैं तो फिर वो वैल्यू से एक्सक्लूड किए जाएंगे। नाउ आपको पता है प्योर एजेंट, उन्होंने रूल 33 में एक्सप्लेन किया था प्योर एजेंट हम किस सिचुएशन में एक पर्सन को बोलते हैं, तो प्योर एजेंट वो पर्सन होता था 4 कंडीशंस उन्होंने बता रखी थी जो 4 कंडीशंस को पूरी करता था। नंबर 1, आप प्योर एजेंट है अगर रेसिपिएंट ने आपको एडिशनल जो भी वो चाहते हैं गुड्स या सर्विसेज वो प्रोक्योर करने के लिए आपको अलग से कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट करके ऑथोराइज किया है, दैट एग्रीमेंट मे बी रिटन और ओरल बट उसने सेपरेटली आपको कॉन्ट्रेक्चुअली ऑथोराइज किया है। सेकेंड कंडीशन, उस ऑथोराइजेशन के बाद आप थर्ड पार्टी से गुड्स एंड सर्विसेज रेसिपिएंट के लिए अरेंज करते हैं और उन पर आप अपनी ऑनरशिप नहीं लेते हैं, इन द सेंस कि आप उसके नाम का इनवॉइस बनवाते हैं। थर्ड, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप अरेंज कर रहे हैं रेसिपिएंट के लिए वो आप उसके इंटरेस्ट में कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट में नहीं कर रहे हैं, आप तो अपनी सप्लाई बिना उन गुड्स एंड सर्विसेज के भी दे सकते थे। एंड चौथा, आप जो थर्ड पार्टी को पे करेंगे एक्चुअल बेसिस पर उतना ही जो होगा वो रेसिपिएंट से रिकवर करेंगे। अगर आप ये चारों बातों को पूरा करते हैं तो आप रेसिपिएंट के प्योर एजेंट है, और उस केस में अब आपने जो रिम्बर्समेंट क्लेम किया आपने रेसिपिएंट से वो एक्सक्लूड हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको वो रिम्बर्समेंट जो है वो सेपरेटली क्लेम करना है, उसे अपनी सप्लाई की वैल्यू में मत डाल देना, रेदर देन उसे इनवॉइस में सेपरेटली क्लेम करना। ऐसा होगा तो फिर 33 आपका सेटिस्फाइड है, आप जो होगा वो वैल्यूएशन में उस खर्चे को जो होगा वो बाहर कर देंगे। और रूल 33 आपके एग्जाम में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें मैंने साथ में एक ये बात भी डिस्कस करी थी, 33 बेटा आपके हर रिम्बर्समेंट को बाहर नहीं कर देगा, ये सिर्फ आपके उस रिम्बर्समेंट को बाहर करेगा जो आपने प्योर एजेंट की कैपेसिटी में किया। कई प्रैक्टिसाइजिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका ये सोच है कि हम अगर अपने क्लाइंट से सर्विस चार्ज लेट्स सपोज ऑडिट चार्ज कुछ ले लेते हैं और आने जाने के खर्चे होटल के खर्चे वो अलग से रिम्बर्समेंट के नाम से ले लेते हैं तो वो वैल्यू से बाहर हो जाएंगे, तो उनकी ये सोच गलत है, उनकी ये सोच गलत है क्योंकि हर रिम्बर्समेंट रूल 33 से बाहर नहीं होगा। रूल 33 ने बता रखा है सिर्फ वही रिम्बर्समेंट बाहर होगा जो आपने रेसिपिएंट के लिए किया,
आप जब ट्रैवलिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग करते हैं तो वो रेसिपिएंट के लिए नहीं है, वो आपकी अपनी सप्लाई ऑफ सर्विस देने के लिए ज़रूरी है, तो वहाँ पर आपका रूल 33 का बेनिफिट जो होगा वो नहीं आएगा। ठीक है जी, चले खैर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 15(2) ने 5 एडिशन बोले थे। पहला एडिशन नॉन GST टैक्सेस एंड ड्यूटीज, सेकेंड एडिशन वो खर्चा जो रेसिपिएंट से आपने बाद में करवा दिया, आपको ऑब्लिगेशन था बट आपने उससे करवा करके वैल्यू कम बिलिंग की कर दी, बिलिंग जो थी वो कम वैल्यू की कर दी। तीसरा आपके पास ये आ गया इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंडिचर कनेक्टेड विद द सप्लाई जो आपने रिकवर किए। फिर इसके बाद इसमें चौथा एडिशन जो था दैट वॉज ऑफ IPL इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फीस। आपने सप्लाई करी सामने वाले को और उधार पर सप्लाई करी, पर उसको एक क्रेडिट पीरियड दिया जिसमें उसे बोला गया कि उस क्रेडिट पीरियड के अंदर आपको पे करना है, अगर लेट पेमेंट करोगे तो फिर आपको हम ईदर इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी या फिर लेट फीस के नाम से जो होगा वो पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो अब सामने वाले ने अगर क्रेडिट पीरियड में पेमेंट नहीं करी तो आपको उससे मिलता है इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फीस। और हमने 15(2) में ये बोला ये जो भी आपको एक्स्ट्रा मिला इसको हम आपकी उस सप्लाई की वैल्यू का ही पैसा मानेंगे। आपने कुछ 10,000 के बेचे थे, सामने वाले ने लेट पेमेंट की वजह से 500 रुपये इंटरेस्ट के नाम के एक्स्ट्रा दिए, तो वो 500 रुपये जो होगा वो आपने जो गुड्स बेचे थे उसी की एक्स्ट्रा वैल्यू ट्रीट किया जाएगा और उसके ऊपर उस गुड्स की एप्लीकेबल GST रेट से ही आपको GST जो होगा वो देना पड़ेगा। आपने सर्विस दी थी, सामने वाले ने लेट पेमेंट किया, जो आपको इंटरेस्ट मिला वो आपकी उस सर्विस की ही एक्स्ट्रा वैल्यू ट्रीट किया जाएगा और आपको उस सर्विस के ऊपर जो एप्लीकेबल GST की रेट थी उसके हिसाब से GST जो होगा वो पे करना पड़ेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी, अगर सामने वाले ने लेट किया और वो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी या लेट फीस दे रहा है तो ये वैल्यू का हिस्सा बनेगा। अगर मान लीजिए आप किसी वजह से उससे जो इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस है किसी वजह से आप वेव ऑफ कर देते हो कि चल यार तुझे नहीं देनी मैं छोड़ देता हूं, तो फिर जब तक प्राप्त नहीं होगा रिसीव नहीं होगा तब तक वो सप्लाई की वैल्यू नहीं बनेगा। रिसीव होगा तो टैक्स होगा, रिसीव नहीं होगा तो फिर टैक्स नहीं होगा। और प्लीज ध्यान में रखिएगा गुड्स आपने आज बेचे हैं, क्रेडिट पीरियड 6 महीने का था, इंटरेस्ट 6 महीने बाद मिलना था। अगर 6 महीने बाद नहीं मिला तो क्वेश्चन ही खत्म, 6 महीने बाद मिला तो वो टैक्स होगा और टैक्स किस बेसिस पर होगा, इनवॉइस जब काटा था उस बेसिस पर या रिसीट बेसिस पर? रिसीट बेसिस पर जो होगा वो टैक्स होगा और वो रिसीट बेसिस पर टैक्स होगा। इस बात को उन्होंने स्पेसिफिकली अलग से टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में लिख रखा था। आपने गुड्स आज बेचे उनकी तो टाइम ऑफ सप्लाई आज ही आएगी, आपने सर्विस आज दी उनकी टाइम ऑफ सप्लाई आज ही आएगी, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी या लेट फीस के फॉर्म में एक्स्ट्रा वैल्यू मिली उसकी टाइम ऑफ सप्लाई आज नहीं आएगी। सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 ने बोल रखा है कि उनकी टाइम ऑफ सप्लाई रिसीट बेसिस पर आएगी, जिस दिन आपको मिले उस दिन उनका टैक्सेशन जो होगा उस दिन उनकी टैक्स लायबिलिटी जो होगी वो अराइज होगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। चलिए फिर इसके बाद हमने इसमें एक स्पेशल केस स्टडी करी थी CBIC की, जिसमें मैंने ये बताया गया था कि एक पर्सन जो है वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर गुड्स बेचता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर गुड्स बेचता है, तो कैश में तो गुड्स है 40,000 के बट कोई उधार पर खरीदेगा इंस्टॉलमेंट सिस्टम में तो वो 44,000 के दे रहा है। जब 44,000 के गुड्स बेचोगे तो फिर आपके गुड्स की वैल्यू भी 44,000 ही ली जाएगी और फर्दर 44,000 की जब वैल्यू ली जाएगी तो उसमें एक स्पेशल पॉइंट ये आया था, जो रेसिपिएंट इंस्टॉलमेंट सिस्टम में गुड्स ले गया अगर उसने किसी EMI पर डिफॉल्ट किया तो जब वो EMI पर डिफॉल्ट करेगा तो आप उससे एक्स्ट्रा पीनल इंटरेस्ट लेंगे और वो जो भी पीनल इंटरेस्ट लोगे वो किस वजह से ले रहे हो, क्योंकि उसने आपको गुड्स की सप्लाई का कंसिडरेशन टाइम से नहीं दिया, तो वो जो भी पीनल इंटरेस्ट है वो उसी सप्लाई की एक्स्ट्रा वैल्यू माना जाएगा। और अगर आपने मोबाइल बेचा था 28% वाला तो ये इंटरेस्ट 28% की रेट से टैक्स हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फिर एक डिफरेंस सिचुएशन में साथ में आपको ये ध्यान में रखना था, एक स्पेशल सिचुएशन, बेचने वाला कहता है मैं उधार पर नहीं बेचता, आपको मेरे गुड चाहिए तो लोन ले लो। अब आप बैंक के पास गए, बैंक से लोन लेकर के उसको पैसा तभी दे देते हो। अब आप उसको क्योंकि अभी पैसा दे देते हो तो उसकी स्टोरी यहां खत्म हो जाएगी, उसने आपसे जो पैसा लिया वो जो होगा वो सप्लाई की वैल्यू बन जाएगा। बात आती है अब आपके बैंक और आपके बीच की, बैंक से आपने लोन लिया और बैंक को आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो बैंक जब आपको लोन देगा तो आप लोगों को पता है लोन को देना एक सर्विस होती है जिस सर्विस की वैल्यू होती है बदले में मिला हुआ इंटरेस्ट। तो बैंक ने आपको लोन दिया तो उसने आपको लेंडिंग सर्विस दी और उस सर्विस की वैल्यू क्या होगी, जो इंटरेस्ट बैंक ने आपसे जो है वो चार्ज किया। पर आप ये जानते हैं बैंक ये लोन दे करके जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उस इंटरेस्ट के ऊपर GST एग्जेम्प्ट है, उस इंटरेस्ट के ऊपर GST एग्जेम्प्ट है।
इनफैक्ट कोई भी आदमी लोन दे और बदले में इंटरेस्ट चार्ज करे तो इंटरेस्ट जो होगा वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, बिकॉज हमने एक एग्जेम्प्शन एंट्री पढ़ी थी एक्सटेंडिंग ऑफ लोन डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, जिसका कंसिडरेशन इंटरेस्ट होगा वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। तो बैंक ने आपको लोन की सर्विस दी, जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। अब बैंक को अगर आप ईएमआई टाइम से नहीं देते हैं और बैंक को पीनल इंटरेस्ट देते हैं तो आप ये इंटरेस्ट बैंक को लोन की सर्विस की एक्स्ट्रा वैल्यू के तौर पर दे रहे हैं, और क्योंकि मेन इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है तो ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है जो उसी सर्विस की वैल्यू है ये भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर इसके बाद इसी इंटरेस्ट को लेकर के हमने एक इशू पढ़ा था डीसीए डेल क्रेडिट एजेंट को लेकर के। आपने गुड्स बेचे और बेचने के लिए आपने चेन में डेल क्रेडिट एजेंट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और लेट्स सपोज आपका डेल क्रेडिट एजेंट जो है वो पैरा तीन वाला एजेंट है, मतलब वो आगे जब बेचेगा तो अपने नाम से इनवॉइस रेस करके बेचेगा, पैरा तीन वाला वो एजेंट है। तो आपने डेल क्रेडिट एजेंट को गुड्स दिए, वो स्टॉक ट्रांसफर सप्लाई होता है जीएसटी में, फिर डेल क्रेडिट एजेंट ने आगे गुड्स बेचे तो वो अपने नाम से इनवॉइस पर बेचे तो वो उसकी सप्लाई है, वो उसका टर्नओवर है, उस पर वो जीएसटी भरने वाला है। फिर मैंने साथ में ये बताया था ये जो डेल क्रेडिट एजेंट है इसको साथ में इसने क्या गारंटी दे रखी थी, पेमेंट एश्योर कराऊंगा। जिसको उसने गुड्स बेचे अगर उसने टाइमली पेमेंट नहीं करी तो मैंने तो अपने प्रिंसिपल को, इस एजेंट ने तो अपने प्रिंसिपल को गारंटी दे रखी थी कि टाइम से पेमेंट मिलेगी। अगर बायर ने पेमेंट नहीं करी तो ये बायर को पैसे देगा और बायर जो होगा वो प्रिंसिपल को जो होगा वो पेमेंट करेगा। अब इसने जो बायर को पैसे दिए, उस पैसे का ये बायर से जो होगा वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो होगा वो चार्ज करेगा। और सीबीआईसी ने बोला था आप अब जो पैसा इसे दे रहे हो वो एक बैंक की तरह इंडिपेंडेंट सर्विस का पैसा नहीं माना जाएगा, वो आपने जो गुड्स बेचे थे उसी एक्टिविटी का पार्ट एंड पार्सल माना जाएगा। तो आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो आपने जो गुड्स बेचे थे उसकी एक्स्ट्रा वैल्यू मिली है ये माना जाएगा, और उसके ऊपर उस गुड्स की टैक्स रेट जो भी थी उसका टैक्स लायबिलिटी जो होगा वो अराइज हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट से रिलेटेड स्पेशल पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कशन में लिए थे। फिर उसके बाद 15.2 में बेटा हमारे पास लास्ट एडिशन था सब्सिडी। सब्सिडी में आपको क्या ध्यान रखना होता है, गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है और नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी होती है। गवर्नमेंट की सब्सिडी जीएसटी में कंसिडरेशन नहीं मानी जाती है। गवर्नमेंट से अगर आपको सब्सिडी मिलती है तो जीएसटी में वो कंसिडरेशन नहीं मानी जाती है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 231 में थी, उससे वो बाहर है, और क्योंकि जीएसटी वाला उससे कंसिडरेशन ही नहीं मानता है तो डेफिनेटली वो वैल्यू में इंक्लूड नहीं कराएगा। पर हाँ, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी जो आपको अदर पर्सन थर्ड पार्टी से मिलती है उसको जीएसटी में सप्लाई का कंसिडरेशन माना जाता है, एंड अकॉर्डिंगली वो सप्लाई की वैल्यू में ऐड होगी। 15.2 ने लेकिन ये बोला था कि जो आपको नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी मिली अगर वो आपकी सप्लाई प्राइस से डायरेक्टली लिंक्ड है, उसका इंपैक्ट सप्लाई प्राइस पर क्या पड़ा है, अगर वो डायरेक्टली पता चल रहा है तो ऐड करेंगे, अगर वो इनडायरेक्टली लिंक्ड है जिसका इंपैक्ट नहीं पता है तो फिर हम उसको ऐड नहीं करेंगे। और इसके बड़े सिंपल से एग्जांपल थे, अगर आपको नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी किसी एनजीओ वगैरह से मिली और उसने आपको कहा ये लो 1000 रुपीज पर यूनिट की सब्सिडी है, 1000 पर यूनिट की सब्सिडी है, जितनी यूनिट आप बेचोगे उतने के हिसाब से 1000 की सब्सिडी मिलेगी, तो ये सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है, इसे जोड़ दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड उन्होंने आपको कोई कैपिटल सब्सिडी दे दी, ये लो 50 लाख रुपए इससे अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लो, तो फिर इस तरीके की सब्सिडी का सप्लाई प्राइस पे क्या इंपैक्ट है वो डायरेक्टली नहीं विजुलाइज किया जा सकता, तो फिर इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। ये हमारे पास 15.2 का डिस्कशन है। ये 5 एलिमेंट्स है जो उन्होंने बताए कि आपको वैल्यूएशन करते टाइम ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड करने हैं। फिर जहां तक एक्सक्लूजन की बात है तो एक्सक्लूजन के लिए बात करता है 15.3 एक्सक्लूजन के नाम पर डिस्काउंट की बात करता था कि सप्लायर आप रेसिपिएंट से प्राइस चार्ज कर रहे हो लेकिन आप अगर उसको कोई डिस्काउंट ऑफर कर रही हो किसी भी तरीके का तो वो डिस्काउंट जो होगा वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई से बाहर करेंगे, नेट प्राइस जो होगा वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब डिस्काउंट में खास बात दो बातें थी, डिस्काउंट आपके दो तरीके के कैटेगराइज किए जा सकते हैं, एक वो डिस्काउंट जो सप्लाई करते टाइम ही दे दिया जाता है और एक वो डिस्काउंट जो ट्रांजेक्शन के टाइम पर नहीं बाद में दिया जाता है, बेसिकली पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। तो पहली कैटेगरी ऑफ डिस्काउंट जो कि सप्लाई के साथ ही दे दिया जाता है, उसके लिए सिंपल स्टोरी इन्होंने लिखी, अगर आपका डिस्काउंट है जो आप सप्लाई करते टाइम ही रेसिपिएंट को दे रहे हो तो सिंपली वो डिस्काउंट इनवॉइस में मेंशन करके नेट प्राइस ले लो और डिस्काउंट का एक्सक्लूजन क्लेम कर लो, चाहे वो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट हो, चाहे वो स्टैगर्ड डिस्काउंट हो, चाहे वो आपका डैमेज डिस्काउंट हो, चाहे वो आपका क्वांटिटी डिस्काउंट हो, चाहे वो आपका कैश डिस्काउंट हो, अगर आपने ट्रांजेक्शन करते टाइम ही पास ऑन कर दिया है तो
इनवॉइस में रिकॉर्ड कर दो, नेट वैल्यू आपकी सप्लाई की वैल्यू है उस पर जीएसटी चार्ज करो और पे कर दो। बात स्पेशल आती है जब डिस्काउंट आपका हो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सप्लाई हो चुकी है, इनवॉइस बन चुका, जीएसटी चार्ज हो चुका, लेकिन बाद में आपने अपने रेसिपिएंट को डिस्काउंट दिया। अब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को लेकर के उन्होंने ये बातें बोली थी, आपने डिस्काउंट अपने रेसिपिएंट को बाद में दिया क्योंकि वो डिस्काउंट के लिए एलिजिबल बाद में हुआ। आज वो कुछ गुड्स ले गया था लेकिन एलिजिबल नहीं था, कल वो कुछ गुड्स और ले गया लेकिन एलिजिबल नहीं हुआ, बार बार जब वो गुड्स ले गया उसके बाद एक टारगेट अचीव करने के बाद वो एलिजिबल हुआ। तो जब एलिजिबल हुआ डेफिनेटली आपने तभी उसे डिस्काउंट दिया, चाहे सप्लाई आपने पहले करी थी। तो ये जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होते हैं, जिसके एग्जाम्पल टारगेट डिस्काउंट, टर्नओवर डिस्काउंट वगैरह होते हैं, इनका भी एक्सक्लूजन मिलेगा, इनका भी आपको डिडक्शन जो होगा वो मिलेगा। उन्होंने लेकिन शर्तें लगाई थी, नंबर वन, ये जो डिस्काउंट है ये दे आप सप्लाई के बाद में रहे हो पर ये मिल सकता है, ये बात आप रेसिपिएंट के साथ जब ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस टाइम पर रेसिपिएंट को पता होनी चाहिए कि आप बायर को बता करके चले इतना टर्नओवर करने पर आपको बाद में डिस्काउंट मिल सकता है। मिलेगा बाद में जब वो टर्नओवर अचीव करेगा, लेकिन सप्लाई करते टाइम उसको ये पता होना चाहिए कि हाँ मिल सकता है। दूसरी बात, डिस्काउंट आपने जो भी दिया वो आपकी किस किस सेल, किस किस टैक्स इनवॉइस से लिंक है, आप उसको लिंक करके हमें बता सकते हो। एंड तीसरी सबसे अहम बात, ये डिस्काउंट आप सप्लाई के बाद में दोगे, तो इस डिस्काउंट को अगर दोगे तो आपको इसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो होगा वो क्रिएट करना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इशू किया जाता है अंडर सेक्शन 34। आपने शुरुआत में तो सप्लाई सेक्शन 31 में इनवॉइसेस काट करके कर दी, बाद में जब डिस्काउंट बाद में दोगे और वो डिस्काउंट सारी शर्तें पूरी करता है तो डिस्काउंट की वजह से वैल्यू कम होगी। अब वैल्यू कम होगी तो आप उसको वो पैसा जो लौटाओगे उसके लिए आपको जीएसटी ने जो डॉक्यूमेंटेशन बताया वो आपको इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट में अब क्या करना, डिस्काउंट से जितनी वैल्यू वापसी करनी है वो उसे देना, और साथ में जितना जीएसटी ज़्यादा ले लिया था उस वैल्यू पर वो जीएसटी भी साथ में जो होगा वो वापसी करना। ये क्रेडिट नोट आप इशू करेंगे सेक्शन 34 में। अब बेटा ये जो क्रेडिट नोट आप इशू करेंगे इसके बेसिस पर जो रेसिपिएंट होगा उसको क्या करना पड़ेगा, उतना आईटीसी अपनी बुक्स में जो होगा वो कम करना पड़ेगा। ठीक है जी, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के ऊपर ये शर्तें थी, डिस्काउंट एस्टेब्लिश था एट द टाइम ऑफ मेकिंग सप्लाई, दिया बाद में गया है, डिस्काउंट किन किन इनवॉइसेस से लिंक्ड है वो आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, एंड थर्ड, डिस्काउंट डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू दोगे विच इज द क्रेडिट नोट। अच्छा, मैंने आपको अब क्रेडिट नोट को लेकर के कुछ बातें भी बताई। क्रेडिट नोट को लेकर के याद करो, क्रेडिट नोट सेक्शन 34 में दिया जाता है। आप सेल करते हो पिछले साल, क्या क्रेडिट नोट अगले साल भी दे सकते हो? सेल करते हो पिछले साल, क्या क्रेडिट नोट अगले साल भी दे सकते हो? यस, क्रेडिट नोट अगले साल भी दिया जा सकता है। क्या क्रेडिट नोट कभी भी दिया जा सकता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी? आंसर इज नो। क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिटेशन है, और वो टाइम लिमिटेशन क्या है, इस साल अगर सप्लाई हुई थी तो उसका क्रेडिट नोट अगले साल दे सकते हो, बट जनरली 20 अक्टूबर तक वो क्रेडिट नोट जो है वो आप दे सकते हो। वो लिमिटेशन जो है सेक्शन 34 में स्पेसिफाई की गई है। अच्छा, क्रेडिट नोट जब आप दोगे तो क्रेडिट नोट से आपको फायदा क्या मिलेगा, वो क्रेडिट नोट जब इशू करोगे अपनी रिटर्न में रिपोर्ट करोगे, और वो फायदा आपको कैसे देंगे, उस रिटर्न में आपकी जो सेल लायबिलिटी बनती होगी क्रेडिट नोट में जो अमाउंट है उससे वो एडजस्ट हो जाएगी। तो अगर आपकी लायबिलिटी बन रही है लेट्स सपोज 1,00,000 के जीएसटी की, आप क्रेडिट नोट साथ में रिपोर्ट करो अपनी रिटर्न में, और क्रेडिट नोट में जीएसटी लेट्स सपोज 2,000 रुपये है, तो 2,000 रुपये की लायबिलिटी एडजस्ट माइनस उसमें हो जाएगी, नेट लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलें, तो ये आपका डिस्काउंट का बात कंप्लीट हुआ, और जब आप ये तीनों कंप्लीट कर लेते हो तो आपका सेक्शन 15(1) फाइनली जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है 15(1) स्टार्टिंग पॉइंट है, बट ये लगेगा सिर्फ तभी जब आपका रेसिपिएंट अनरिलेटेड था और आपने उससे कंसिडरेशन प्राइस, मॉनेटरी कंसिडरेशन लिया था, प्राइस वाज द सोल कंसिडरेशन जो रिसीव किया गया था। अगर इन दोनों बातों में कुछ भी कमी हो, इन द सेंस पर्सन रिलेटेड है या कंसिडरेशन नॉन मॉनेटरी या मिक्सचर है या फिर कंसिडरेशन है ही नहीं, उन सभी केसेस में आप 15(1) से बाहर हो जाते हैं, फिर आपका वैल्यूएशन आ जाता है 15(4) में। एंड 15(4) में आपका वैल्यूएशन अब क्या होता है, 15(4) कहते थे, अब आपको वैल्यूएशन के लिए जो होगा वो वैल्यूएशन के रूल्स यूज करने पड़ेंगे। वैल्यूएशन हम प्रेस्क्राइब करेंगे, रूल्स में वो आपको देखने पड़ेंगे, एंड रूल्स यहाँ पर बनाए गए थे 27, 28, 29, 30 एंड 31। ठीक है जी, अब इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना था रिकलेक्ट करें। रूल 27 ये उस सिचुएशन की हैंडलिंग के लिए बना गया था जब आपने सप्लाई अनरिलेटेड पर्सन को करीब पर कंसिडरेशन नॉन मॉनेटरी था,
या मॉनिटरी प्लस नॉन मॉनिटरी था। 28 किस सिचुएशन के लिए बनाया गया था, जब आपने सप्लाई करी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को या फिर रिलेटेड पर्सन बट एक्सक्लूडिंग एजेंट। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन आप सब लोगों को पता है जीएसटी में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का कंसेप्ट सेक्शन 25 में है। सेक्शन 25 जिसने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की बात करी थी और ये कहा था कि एक पर्सन जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेगा, दिल्ली में है अलग रजिस्ट्रेशन लेगा, दिल्ली से बाहर अगर कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट खोलेगा तो वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, उसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अच्छा, विद इन दिल्ली भी अगर आपने एक एस्टेब्लिशमेंट खोला जिसको किसी वजह से सेपरेटली रजिस्टर्ड आप कराते हो तो फिर वो भी डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। और जब भी कभी इस तरीके के डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन आपकी ही ब्रांचेस वगैरह के बीच में कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे तो फिर रूल नंबर 28 पिक्चर में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कभी रिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर रही हैं, और रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं वो सेक्शन 15 में डिफाइन थे, सेक्शन 15 ने रिलेटेड पर्सन को डिफाइन कर रखा था, अगर आप उन कैटेगरी ऑफ पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं बट एक्सक्लूडिंग एजेंट तो फिर रूल नंबर 28 अप्लाई हो जाएगा। एजेंट इसलिए एक्सक्लूड किया गया था बिकॉज एजेंट के लिए इन्होंने आगे स्पेसिफिक रूल नंबर 29 अलग से जो था वो बनाया हुआ था। तो 29 एजेंट के थ्रू सप्लाई के ऊपर है, वो एजेंट रिलेटेड या अनरिलेटेड कुछ भी हो आपका जो होगा वो 29 लगेगा। 28 सभी रिलेटेड पर्सन की बात करता है बट एक्सक्लूडिंग एजेंट बिकॉज एजेंट को अलग से हैंडल किया गया है। अब रिलेटेड पर्सन कौन होते थे ब्रॉडली स्पीकिंग अगर याद कराए तो मेरा भी बिजनेस है आपका भी बिजनेस है, मैं आपके बिजनेस में ऑफिसर हूं आप मेरे बिजनेस में ऑफिसर है तो आप रिलेटेड पर्सन है। अगर हम लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स आर रिलेटेड पार्टी, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेटेड पर्सन। फिर उसके बाद अगर कोई थर्ड पर्सन हम दोनों में 25% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखता है वी आर रिलेटेड पर्सन। मैं आपको कंट्रोल करता हूं तो आप रिलेटेड पर्सन है मेरे, ठीक है जी। हम दोनों को कोई तीसरा कंट्रोल करता है तो हम दोनों रिलेटेड पर्सन है, हम दोनों मिलकर के किसी तीसरे को कंट्रोल करते हैं हम रिलेटेड पर्सन है। और डेफिनेशन में ये भी लिखा गया था कि अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को एजेंट को सोल सेलिंग एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं तो वो भी जो है वो रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में फॉल करता है। और रिलेटेड पर्सन का कंसेप्ट बेटा जीएसटी में आपको दो एंगल से ध्यान में रखना होता है। रिलेटेड पर्सन को आप किसी भी प्राइस पर बेचो, महंगा सस्ता, वो सप्लाई होगा। आप उसको फ्री में भी दोगे वो सप्लाई होगा। और रिलेटेड पर्सन के केस में वैल्यूएशन जो किया जाएगा वो हमेशा रूल नंबर 28 में किया जाएगा एक्सेप्ट वेयर द रिलेटेड पर्सन इज एजेंट। तो खैर अब इन रूल्स में वैल्यूएशन क्या क्या होता है वो रुक के बात करते हैं, पहले रूल एक बार कंप्लीट बोल देता हूँ। 27, 28, 29 फिर उसके बाद 30 कहता था अगर सिचुएशन 27, 28, 29 में नहीं आ रही है तो 30 में आएगी, और 30 कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन कराता था जो ये कहता था 100% ऑफ कॉस्ट। अगर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर का 110%, अगर ट्रेडिंग गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो फिर 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो तो 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस। रूल 30 में अगर केस है तो सिंपली 110% ऑफ कॉस्ट मतलब एक नॉशनल सेल्स वैल्यू जो होगी वो आपकी यूज की जाएगी। अगर किसी वजह से 31 में भी केस नहीं आता तो आखिरी वैल्यूएशन का रूल नंबर 31 विच इज कॉल्ड रेजिडुअरी रूल। बाकी सारी बची हुई सिचुएशन यहां पर आएगी, गवर्नमेंट ने बोला अब हर सिचुएशन को हम विजुलाइज नहीं कर सकते तो ये रेजिडुअरी रूल्स है, इसमें बाकी सारे वैल्यूएशन आएंगे। और इसमें वैल्यूएशन होगा क्या वो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जजमेंट बेस्ट तरीके से अप्लाई करके यूज करना पड़ेगा, इस रूल को हम बोलते हैं बेस्ट जजमेंट वैल्यूएशन रूल, ठीक है जी। तो आपको ये ध्यान में रखना है आप जब भी सेक्शन 15 से 1 से बाहर आएंगे तो आपको सबसे पहले ये फिक्सअप करना है कि आपका केस कौन से वैल्यूएशन रूल से हैंडल होगा, उस रूल में वैल्यूएशन क्या बनेगा वो बाद में देखना है, पहले रूल फिक्सेशन करना है। तो कंसिडरेशन है अनरिलेटेड पार्टी को दिया है, कंसिडरेशन लिया है पर नॉन मॉनिटरी लिया है 27, रिलेटेड पार्टी से डील किया कंसिडरेशन कुछ भी हो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी फी 28, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन 28, एजेंट के थ्रू माल बेच रहे हो आप एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर करोगे और आगे एजेंट अपने नाम से सप्लाई करके सेल करेगा रूल नंबर 29, ये तीन नहीं है तो 30 और 31। अच्छा और 30 और 31 में से पहला कौन सा यूज करते हैं 30, लास्ट में क्या यूज करते हैं 31। लेकिन आपको ध्यान में रखना है उन्होंने 31 में खास बात ये लिखी हुई थी कि अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो आप रूल 30 स्किप करके जो है वो डायरेक्टली जो है रूल 31 में जो है वो आ सकते हो,
दिस इज ओनली फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस। अगर सप्लायर ऑफ गुड्स होगा तो वो पहले रूल 30 लगाएगा, देन ओनली 31 कैन बी कंसीडर्ड, बट सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए रूल 30 स्किप करके डायरेक्टली रूल 31 में केस लाना ये अलाउड था, 31 में इस चीज को लिखा गया था। अब आपके एग्जामिनेशन में जो मेन रूल्स यूज होते हैं वो यूज होते हैं 27, 28, 29, तो आप जरा इनकी रिवीजन करते हैं कि इनमें वैल्यूएशन बोला क्या गया था। तो 27, 28 एंड 29 इसका सेपरेट वैल्यूएशन चार्ट जो है 27, 28, 29। तो बेटा 27 इसमें ये कहा गया था कंसीडरेशन अगर नॉन मॉनेटरी है, लेट्स सपोज आपने कोई सप्लाई की है गुड्स की लेकिन बदले में गुड्स ले लिए या कोई सर्विस ले ली, या आपने एक्सचेंज ऑफर में गुड्स दिए मतलब पैसा भी लिया और कुछ पुराने गुड्स भी ले लिए, जब कभी ऐसा होगा तो 27 चार मेथड बोलता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने होते हैं। पहला तरीका नहीं लगे तो दूसरा, नहीं लगे तो तीसरा, नहीं लगे तो चौथा, और चौथा लगेगा ही लगेगा। पहला तरीका क्या होता था, आप क्या करेंगे ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई वो यूज करेंगे। आपने एक्सचेंज ऑफर में गुड्स दे दिए, आपने बार्टर में गुड्स दे दिए, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गया, कोई बात नहीं आप उसको साइड रखो, आप ये देखो ये सप्लाई जब ओपन मार्केट में मॉनेटरी कंसिडरेशन लेकर के अनरिलेटेड पार्टीज के साथ होती है तो इस सप्लाई की वैल्यू क्या होती है, और वो वैल्यू जो होती है उसको इन्होंने नाम दे रखा है ओपन मार्केट वैल्यू। उस ओपन मार्केट वैल्यू को आप अपनी सप्लाई की वैल्यू मानो और जीएसटी पे कर दो, और अगर ओपन मार्केट वैल्यू आपको अवेलेबल ना हो तो फिर आप दूसरा तरीका यूज करेंगे, उसमें आप क्या देखेंगे आपको मनी जो मिली वो एंड नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन जो मिला उसका मॉनेटरी इक्विवेलेंट आप निकालेंगे, वो ऐड कर देंगे, वो आपकी बन जाएगी सप्लाई की वैल्यू। सर मुझे जो मिला नॉन मॉनेटरी, अगर वो कोई ऐसी चीज मिली कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल पा रहा मैं, तो कोई बात नहीं फिर आप स्टेप नंबर थर्ड पर आ जाओ। स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है, अब आप जो आपने सप्लाई करी है उससे मिलती जुलती सप्लाई ढूंढो, सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। आपने सप्लाई करी है एक्स गुड्स की, आप उससे मिलते जुलते गुड्स जो करेक्टर वाइज, फीचर वाइज, कंपोनेंट वाइज एंड इवन रेपुटेशन वाइज मैच करें, आप ऐसे लाइक काइंड एंड क्वालिटी की सप्लाई ढूंढो और वो जिस वैल्यू पर हो रही है आप उसको जो है वो यूज कर लो। सर मुझे नहीं मिल रही, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं फिर बाहर निकलो। आखिरी तरीका ये है, आप अगेन कितना पैसा लिया था वो रखो और जो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन लिया था अब की बार उसकी वैल्यू रूल 30 कॉस्ट बेस्ड या फिर रूल 31 बेस्ट जजमेंट बेस्ड निकालते हुए जो होगा वो ऐड कर दो। अब नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन की यहाँ जो वैल्यू निकालोगे ध्यान में रखना, आपको निकालनी है वो वैल्यू रूल 30 कॉस्ट बेस्ड या फिर रूल 31 बेस्ट जजमेंट बेस्ड। पहली कोशिश रूल 30 कॉस्ट बेस्ड निकालने की करना, नहीं कर पाओ तो फिर बेस्ट जजमेंट बेस्ड जो होगा वो वैल्यू निकाल देना, कैसा अगर कुछ साथ में ले रखा है वो ऐड कर देना, वो आपकी सप्लाई की वैल्यू बन जाएगा। दिस इज रूल नंबर 27, स्टेप बाय स्टेप के मैकेनिज्म है जो कि आपको चलाने हैं। रूल नंबर 28 द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द एंटायर रूल्स, जो आप यूज करते हो जब डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई होती है या रिलेटेड पर्सन अदर देन एजेंट के बीच में सप्लाई होती है। यहां पर आपको वैल्यूएशन के तीन तरीके जो है वो बताए गए हैं, नंबर वन ओपन मार्केट वैल्यू, नंबर टू वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, एंड नंबर थर्ड लास्ट रिजोर्ट रूल नंबर 30 या फिर 31 निकाल करके निकाली गई वैल्यू। फिर उसके बाद इसमें दो प्रोविजो थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से पहला प्रोविजो ये कहता था कि अगर आपने सप्लाई करी है गुड्स की और जिसको आपने सप्लाई करी है वो आगे इन गुड्स को एज सच बेचने वाला है, आपने सप्लाई करी है गुड्स की और वो आगे इन गुड्स को एज सच बेचने वाला है, तो आपको उन्होंने एक ऑप्शन दिया था, आपको उन्होंने एक ऑप्शन दिया था, वो ऑप्शन ये था कि आपने इस केस में जो सप्लाई करी है गुड्स की, आप जिसको सप्लाई कर रहे हैं उससे पूछे कि मैं तुझे आज ये लॉट भेज रहा हूँ, तूने इस टाइम के आसपास क्या कोई लाइक गुड्स जो है वो सेल किए हैं, अगर किए हैं तो उसका सेल प्राइस उससे ले लो और उसके सेल प्राइस का 90% जो है वो आप जो है वैल्यू के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हमने क्या बोला, आपके वैल्यूएशन के तरीके दिए, लेकिन आपको ये ऑप्शन दिया सप्लायर ऑफ गुड्स को कि अगर आपने आगे जिस आदमी को गुड्स दिए हैं वो उन्हें आगे फर्दर बेचता है एज इट इज, तो उससे पूछ लो कि तूने
मैं आज माल भेज रहा हूँ, तूने आज या नियर अबाउट टाइम में क्या कोई लाइक काइंड एंड क्वालिटी की सप्लाई अनरिलेटेड पर्सन को करी है? करी है तो मुझे प्राइस बता दे। सर वो मुझे क्यों बताएगा बेटा, वो आपका रिलेटेड पार्टी है, बताएगा। वो प्राइस लो उसका, 90% जो है वो यूज कर लो। फिर इसी 28 में एक सेकंड प्रोविजो था, आई होप यू रिमेंबर, 28 का सेकंड प्रोविजो था, वो क्या कहता था कि एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन ये है कि आपने इनवॉइस में जो वैल्यू दिखाई है हम उसी को डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। लेकिन ये काम तभी होगा जब आपने जिसको ये सप्लाई करी है वो रेसिपिएंट फुल आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है। तो आप अगर जिस व्यक्ति को वो रिलेटेड है, आप उसे सस्ता बेच रहे हो, बट आप फ्री में बेच रहे हो, आप उसे सस्ता बेच रहे हो, तो भी गवर्नमेंट कह रही है आपने जो प्राइस दिया उसी प्राइस को हम डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। ये कम होने के बावजूद भी कम पर ही जीएसटी भरवा लेंगे क्योंकि हमें कोई नुकसान नहीं है। इधर आप कम पर जीएसटी भरोगे तो सामने वाला आईटीसी भी जो होगा वो कम पर लेगा, आपसे कम रिवेन्यू आएगा तो सामने वाले को बेनिफिट भी हमें कम देना पड़ेगा, तो हमें इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। और यहां पर आपको एक बड़ी बात बताई थी रिलेटेड पार्टी के केस में, इस डिस्कशन के बाद आपको यह समझ आ गया है कि रिलेटेड पार्टी के केस में आपने अगर सस्ता बेचा है तो हो सकता है वो सस्ता प्राइस ही एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है वो सस्ता प्राइस ही एक्सेप्ट हो जाए, और वो सस्ता प्राइस इस प्रोविजो की वजह से एक्सेप्ट होगा, लेकिन सिर्फ तभी एक्सेप्ट होगा जब सामने वाला आईटीसी ले सकता है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है, सस्ता मतलब कितना सस्ता, आप क्या कितनी भी इनवॉइस वैल्यू को एक्सेप्ट करा लेंगे? यस, 80,000 की वर्थ की चीजें आप 70 की दो, 60 की दो, 50 की दो, 10 की दो, 5 की दो, 2,000 की दो, 100 रुपए की दो, सब कुछ चलेगा, बस जीरो नहीं होनी चाहिए। दिस इज रूल नंबर 28। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज योर रूल नंबर 29। जब सप्लाई चेन में एजेंट इन्वॉल्व हो जाता है, आप गुड्स डायरेक्ट बायर को ना बेच करके एजेंट के थ्रू बेचते हो, और एजेंट भी वो बेटा जो कि आपका पैरा 3 वाला एजेंट है, जिसको आपने अथॉरिटी दे रखी है कि जब कस्टमर को माल बेचेगा तो अपने नाम से इनवॉइस काट के जो होगा वो माल बेचेगा। अब इस सिचुएशन में आपने जब एजेंट को गुड्स दिए तो वो स्टॉक ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन के था, बट वो फिर भी सप्लाई है, और उस पर आपको जीएसटी भेजते टाइम पे करना है। आप उस सप्लाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 29 अप्लाई करके। 29 में दो तरीके दिए गए हैं, एक ओपन मार्केट वैल्यू वाला एंड दूसरा एज अ लास्ट रिजॉर्ट रूल 30 एंड 31 वाला। अच्छा, इसमें जो पहला तरीका है ओपन मार्केट वैल्यू वाला, इसमें यह बोला गया है कि आप एजेंट को अगर सप्लाई कर रहे हैं तो आप जिन गुड्स का स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं उनकी ओपन मार्केट वैल्यू यूज करें, या साथ में एक ऑप्शन है आपका एजेंट उन गुड्स को आगे बेचेगा, आपका एजेंट उन गुड्स को आगे बेचेगा, तो जो आप स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं जिस दिन कर रहे हैं उस दिन एजेंट से आप पूछ ले कि क्या उसने लाइक एंड क्वालिटी के गुड्स आसपास बेचे हैं, और बेचे हैं तो अनरिलेटेड पर्सन्स को जो बेचे हैं वो सेल प्राइस बता दो, उसका 90% जो होगा वो आप यूज कर सकते हैं। ये वाला तरीका बेटा आपका जो है वो काफ़ी हद तक रिलेटेड पार्टी के बराबर ही है। आपको लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना था एजेंट वाले केस में डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है, और रिलेटेड पार्टी के केस में आपका डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट है, पर एजेंट वाले केस में आपका डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है। देखो रिलेटेड पार्टी के केस में आपकी ओपन मार्केट वैल्यू है, आप 90% ऑफ रीसेल प्राइस उसके बारे में भी सोच सकते हैं, और इधर डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन एजेंट के केस में डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है। बेटा अगर वो भी होता तो फिर वो रूल अलग नहीं बनाते, फिर वो रूल 28 में ही स्टोरी को लिख देते। तो एजेंट की स्टोरी अलग है एंड बाकी स्टोरी अलग है। कम बैक टू द, वापस आता हूं अपने मेन चार्ट के ऊपर। ये हमारे पास वैल्यूएशन रूल्स का भी हमने डिस्कशन कंप्लीटली रिवाइज कर लिया। चलिए जी, इसके साथ हमारा नॉर्मल वैल्यूएशन सिस्टम जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया, नॉर्मल वैल्यूएशन सिस्टम जो कि मोस्ट ऑफ द सप्लाईज पर लगता है। फिर उसके बाद सेक्शन 15 ने एक कंसेप्ट ये बना रखा है कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेस ऐसे होंगे जिनको गवर्नमेंट किसी खास वजह से स्पेशल वैल्यूएशन ऑफर करेगी। तो 15(5) ने ये लिखा था कि अगर गवर्नमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन के बेस पर किसी गुड्स या सर्विस को नोटिफाई कर देती है तो जो गुड्स एंड सर्विस वो नोटिफाई कर देगी उन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आपको ऊपर वाले सिस्टम को इग्नोर करते हुए जो भी वो स्पेशल वैल्यू प्रेस्क्राइब करेंगे आपको वो स्पेशल वैल्यू जो होगी वो कंसीडर करनी है।
इसको हम बोलते हैं स्पेशल वैल्यूएशन मैकेनिज्म, बिकॉज ये गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्टेड किए गए गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आएगा। अब गवर्नमेंट ने कौन से गुड्स एंड सर्विस सेलेक्ट करके उनकी स्पेशल वैल्यू बोली थी, तो वो बेटा हमने पढ़े, उसके लिए हमारे पास दो रूल्स थे जहां स्पेशल वैल्यूएशन उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था। उसमें एक रूल हमारे पास है 31A, दूसरा हमारे पास है 31(2). एक रूल हमारे पास है 31A, दूसरा हमारे पास है रूल नंबर 31(2). अब स्पेशल वैल्यूएशन इन दो रूल्स के थ्रू प्रेस्क्राइब किया गया है। इसमें से जो पहला आपका रूल है, रूल 31A, ये आपका स्पेशल वैल्यूएशन रूल है, जो कि कुछ गुड्स की सप्लाई के रिस्पेक्ट में बताया गया है, कुछ गुड्स की सप्लाई के रिस्पेक्ट में बताया गया है। जो आपका सेकंड स्पेशल वैल्यूएशन रूल है, ये कुछ गुड्स एंड कुछ सर्विसेज के रिस्पेक्ट में बताया गया है। जो पहला वैल्यूएशन रूल है वो कुछ गुड्स के लिए बताया गया है, जो सेकंड वैल्यूएशन रूल है वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए बनाया गया है। जो पहला वैल्यूएशन रूल है वो जो भी आपको स्पेशल वैल्यू बताएगा वो मैंडेटरी होगी, आपको वही वैल्यू मैंडेटरी तौर पर यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन जो सेकंड रूल है, रूल 32, वो जो वैल्यू बताएगा वो स्पेशल वैल्यू आपको ऑप्शनल बेसिस पर बता रहा है, वो वैल्यू ऐसा नहीं है कि आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी। आपको अगर वो ऑप्शनल वैल्यूएशन पसंद आता है, इधर वो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बना रहा है या वो आपको सिंपली टू अप्लाई करना लग रहा है, दोनों में से कोई भी वजह हो सकती है, आप उसे ऑप्शनल बेसिस पर यूज कर सकते हैं। माइंड इट, इसमें क्लैरिटी बहुत कम लोगों को होती है, रिवीजन में ध्यान रखना। पहला रूल कुछ गुड्स की बात करता है और मैंडेटरी, जो वो वैल्यू बोलेगा वही लेनी है। दूसरा रूल 32 गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है और ये ऑप्शनल बेसिस पर बात करता है, आपको पसंद आए तो ले लो, अदरवाइज आप इसे इग्नोर करो, आप जैसे नॉर्मल वैल्यूएशन ऊपर कर रहे थे वैसे ही आप करो। अब इसमें हम पहले बात करते हैं पहले वैल्यूएशन रूल की, रूल 31A। इसमें बात की गई है गुड्स की, सिर्फ गुड्स की, और कौन से गुड्स बेटा, जो बाय नेचर एक्शनेबल क्लेम होते हैं, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग। क्या आप रिकलेक्ट करेंगे सप्लाई जब आपने पढ़ा था, तो सप्लाई में हर एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, लेकिन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग को छोड़ करके बाकी एक्शनेबल क्लेम सप्लाई से बाहर रखे गए थे। शेड्यूल 3 एंड टू बी वेरी प्रिसाइज पैरा नंबर 6, उसमें कहा गया था कि सब एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग वो बाहर रहेंगे। ठीक है, तो ये तीन ही एक्शनेबल क्लेम है जो कि एक्चुअल में सप्लाई के दायरे में आते हैं, और इन तीन एक्शनेबल क्लेम के लिए उन्होंने वैल्यूएशन, स्पेशल वैल्यूएशन बताया है सेपरेटली, और मैंडेटरी तौर पर बताया है कि ऐसे ही चलना पड़ेगा। रूल नंबर 31A जो होता था उसका सब रूल 1, वो स्पेसिफिकली ये कहता था कि ये वैल्यूएशन जो हम दे रहे हैं ये मैंडेटरी है, इसे ही लगाना है। फिर इसका सब रूल 2 कहता था लॉटरी की स्पेशल वैल्यू ये होगी, एंड सब रूल 3 ये कहता था कि बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग के केस में वैल्यू ये होगी। लॉटरी के केस में उन्होंने क्या वैल्यू बोली थी, इन्होंने बोला था लॉटरी की जो फेस वैल्यू है, लॉटरी की जो फेस वैल्यू है जिस पर अल्टीमेटली आप बायर को बेचेंगे, उस फेस वैल्यू को यूज़ करेंगे। वो फेस वैल्यू क्योंकि GST इंक्लूसिव होगी, तो उसमें से GST का इम्पैक्ट हटाने के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। GST लॉटरी के ऊपर GST रेट 28% है, तो आप फेस वैल्यू यूज़ करेंगे, फेस वैल्यू जिस पर बायर को बिकेगी, और क्योंकि वो GST इंक्लूसिव है तो GST का इम्पैक्ट हटाने के लिए क्या यूज़ कर देंगे, 100/128। फिर इसने एक खास बात ये लिखी थी, कई बार ऐसा हो सकता है कि लॉटरी की जो फेस वैल्यू है एक्चुअल में लॉटरी उस पर नहीं बिक रही, गवर्नमेंट ने, जिसने भी लॉटरी स्कीम ऑर्गेनाइज करी है, गवर्नमेंट ने प्राइस अलग से नोटिफाई कर दिया और कहा इस प्राइस पर बिकेगी। अगर जो फेस वैल्यू थी उससे हायर प्राइस नोटिफाई कर दिया जाता है बाय द लॉटरी ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, और अब लॉटरी उस हायर प्राइस पर बिकनी है, तो डेफिनेटली हमें वो हायर प्राइस यूज़ करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली इसने ये बोला था, हम यूज़ करेंगे फेस वैल्यू या नोटिफाइड प्राइस, विच एवर इज हायर। और ये क्योंकि GST इंक्लूसिव होगा, तो इस पर 100/128 लगा करके वैल्यू निकाली जाएगी। फिर उसके बाद जहाँ तक बात थी बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग की, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग की, तो इनके लिए ये बताया गया था कि भाई साहब सामने वाला जितने अमाउंट की बेट लगाएगा वही जो होगा उस सप्लाई की वैल्यू है,
आपको उसके ऊपर साथ में उस व्यक्ति से जो है वो जीएसटी ले लेना है। अगर हॉर्स रेसिंग हो रही है तो हो सकता है रेस क्लब जो है वो टोटली जेटर करके एक मशीन होती है जिसके थ्रू बैट रिसीव करता है, तो रेस क्लब ने अगर बैटिंग हुई, टोटली जेटर मशीन यूज हुई है, लोगों ने टोटली जेटर में बैटिंग डाली है, तो उस मशीन में जितना भी बैटिंग अमाउंट रिसीव किया गया है वो जो होगा वो वैल्यू माना जाएगा। आर यू ओके विद दिस? तो ये हमारे पास था 31A, इट इज मैंडेटरी, ऐसे ही आपको ये वैल्यूएशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 32, इसका सब रूल 1 वो ये कहता था, क्लैरिटी देता था सबसे पहले कि यहां हम जिन गुड्स एंड सर्विसेज की स्पेशल वैल्यू आपको बता रहे हैं वो ऑप्शनल बेसिस पर बता रहे हैं। 31A में तो मैंडेटरी बेस पर है बट यहां ऑप्शनल बेसिस पर है, ये 32(1) ने लिख करके क्लियर किया था। आपको पसंद आए इधर बिकॉज लोअर टैक्स लाइबिलिटी और कन्वीनियंस तो आप यहां जाना, अदरवाइज आप नॉर्मल तरीके से ही करना। तो खैर इन्होंने किन किन गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मुझे ऑप्शनल वैल्यू दी थी, तो इसमें बेटा हमारे आगे छह सब रूल और थे, 32(2) से 32(3), 32(4), 32(5), 32(6) एंड 32(7), यहां 6 केसेस जो थे वो हैंडल किए गए थे। इन 6 में से जो पहले 4 केसेस हैं एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वाले 2 केस हैं वो आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो पहले 4 पर अच्छे से हम बात करते हैं। सबसे पहला केस मनी चेंजिंग, फॉरेन करेंसी वाली मनी चेंजिंग, सिर्फ फॉरेन करेंसी वाली, फॉरेन करेंसी की मनी चेंजिंग, वो 32(2) में उसकी स्पेशल वैल्यू जो थी वो बताई गई। अब फॉरेन करेंसी की मनी चेंजिंग का मतलब क्या है कि आपके पास फॉरेन करेंसी है, आप फॉरेन करेंसी के बदले में रुपीस चाहते हैं, या आपके पास रुपीस है आप उसके बदले में फॉरेन करेंसी चाहते हैं, या आपके पास फॉरेन करेंसी है बदले में आप दूसरी फॉरेन करेंसी चाहते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होनी चाहिए। और ये फॉरेन करेंसी की मनी चेंजिंग आप कहीं भी जा करके नहीं करा सकते, ये या तो आप बैंक से कराएंगे या फिर RBI के जो ऑथराइज डीलर होंगे उनसे कराएंगे। अच्छा, RBI ऑथराइज डीलर या बैंक, उनसे आप कभी भी इस तरीके से फॉरेन करेंसी की सेल परचेज करोगे जिसे मनी चेंजिंग हम कहते हैं, तो आपको जो बैंक या ऑथराइज डीलर होगा तो वो इस मनी चेंजिंग के प्रोसेस में जो मार्जिन अर्न करेगा वो उसकी सप्लाई की वैल्यू है। आप रुपीस दोगे वो डॉलर देगा, आप रुपीस दोगे तो वो डॉलर देगा, तो आपने रुपीस दिए डॉलर दिए तो उसने कुछ कमाया ही नहीं, पर इस कन्वर्जन में जो मार्जिन इन्वॉल्व है वो उसकी सप्लाई की वैल्यू है जिसको निकाल करके आपको GST देना है। और उस मार्जिन को निकालने के लिए वो 32 में आपको 2 ऑप्शनल व्याप करते थे, और 32(2) वो आपको कहता था कि ये जो मार्जिन है ये 32(2A) एक तरीका एंड 32(AB) दूसरा तरीका देता था, कि इन 2 तरीकों से आपने जो मार्जिन मनी चेंजिंग में कमाया वो हम निकाल करके जो होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई आपके फिक्स कर देंगे, याद है? अब इसमें जो पहला तरीका था 32(2A) वो ये कहता था हम आपका जो मार्जिन है वो जनरली RBI की रेफरेंस रेट से कंपेयर करके निकालेंगे। आपके पास एक कस्टमर आया डॉलर खरीदने, तो आप उसे डॉलर बेच रहे हो, वो खरीदने आया मतलब आप उसे बेच रहे हो, तो आपका जो सेल ऑफ डॉलर का रेट होगा जो भी आपने कस्टमर को ऑफर किया होगा आपके रेट से हम RBI का जो रेफरेंस रेट है वो कंपेयर करके डिफरेंस का मार्जिन मानेंगे, और अकॉर्डिंगली आपने जितनी भी करेंसी एक्सचेंज करी है मल्टीप्लाई करके आपका टोटल मार्जिन आएगा, वो आपकी सप्लाई की वैल्यू है। आपने कस्टमर को जो भी रेट दी उस रेट को हमने RBI की रेफरेंस रेट से कंपेयर करके डिफरेंस निकाल लिया, वो आपका मार्जिन बनेगा और उसके ऊपर आपको GST जो होगा वो कस्टमर से चार्ज करके देना है, ठीक है जी? ऐसे ही अगर आप डॉलर बेच नहीं रहे, आप डॉलर खरीद रहे हो, तो आप जिस भी रेट से खरीद रहे हो हम RBI की रेफरेंस रेट यूज़ करेंगे, उसके डिफरेंस के बेसिस पर जो बन रहा है उसको आपका प्रॉफिट मानेंगे, मार्जिन मानेंगे, और उसके ऊपर जो होगा वो हम GST जो होगा वो चार्ज करेंगे, ठीक है? तो RBI की रेफरेंस रेट के बेस पर आपका मार्जिन पहले मेथड में जो है वो निकाला जाता है RBI की रेफरेंस रेट के बेस पर। हाँ,
लेकिन इस मेथड ने साथ में ये बोला था, हो सकता है कभी आप मनी चेंजिंग उस करेंसी की कर रहे हो जिसकी आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल ही ना हो। आप मनी चेंजिंग उस करेंसी की कर रहे हो जिसकी आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल ही ना हो, तो उस केस में, क्योंकि रेफरेंस रेट नहीं है, तो उस केस में हम सिंपली आपने जितने टोटल अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया उसका 1% आपका मार्जिन रहा था, ये मानते हुए जो होगा वो वैल्यू ऑफ सप्लाई ली जाएगी। फिर तीसरी कहानी जो उन्होंने ए में बना रखी थी वो ये थी कि अगर आपने किसी से एक फॉरेन करेंसी ली और दूसरी फॉरेन करेंसी दी, एक फॉरेन करेंसी ली और दूसरी फॉरेन, मतलब एक फॉरेन करेंसी के बदले में दूसरी फॉरेन करेंसी जो थी वो दे दी गई, तो उस केस में आपने जो फॉरेन करेंसी परचेस करी उस पर आरबीआई रेफरेंस रेट परचेस की, और जो आपने बेची उस पर आरबीआई रेफरेंस रेट सेल की, लगा करके जो दो लोअर अमाउंट बनेगा इन दोनों में से वो अमाउंट पकड़ेंगे और उसका 1% आपका मार्जिन जो होगा वो मान लिया जाएगा। तो ए में ये तीन बातें जो थी वो लिखी हुई थी। पहले केस में जो सेल और परचेस कर रही हो आरबीआई की रेट से मार्जिन निकालेंगे, दूसरे में आरबीआई की रेट नहीं है तो ट्रांजेक्शन की टोटल वैल्यू का 1%, और तीसरे में दो करेंसी इन्वॉल्व है तो दोनों करेंसी का टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू आरबीआई की रेट को यूज करके निकालेंगे और उसमें से लोअर जो बनेगा उसका 1% आपका मार्जिन ले लेंगे। ये था पहला तरीका। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, दूसरा तरीका जो 32B ने ऑफर किया था, उसने बोला था ये हम इतनी मेहनत करेंगे ही नहीं, इतने तरीकों की हम मेहनत करेंगे नहीं, हम आप क्या कमा रहे हो आरबीआई की रेफरेंस रेट वगैरह यूज करके देखेंगे ही नहीं, हम सिंपली जो होगा वो ये चेक करेंगे कि आपने जो फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन किया उसकी वर्थ क्या है और उसका एक नोशनल परसेंटेज आपका हम मार्जिन मानते हुए चलेंगे। और बेटा दूसरे मेथड में आपकी थोड़ी सी मेहनत थी क्योंकि आपको प्रैक्टिकली इस बात का पता है कि बैंक के पास अगर कोई आदमी छोटे अमाउंट की मनी चेंजिंग कराने आएगा तो बैंक ज़्यादा कमीशन लेगा, अगर बड़े अमाउंट की डील करेगा तो बैंक अपना कमीशन घटा लेगा। तो सेकंड में उन्होंने क्या किया था, डिपेंडिंग अपॉन कितने के मनी चेंजिंग का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसके हिसाब से उन्होंने डीम्ड आपके मार्जिन की रेट अलग अलग प्रेस्क्राइब कर दी थी और वो आपको याद करके जानी है। उसमें उन्होंने ऐसे बोला था अगर आपने 1,00,000 की मनी चेंजिंग करी तो 1% मार्जिन माना जाएगा, मिनिमम 250। अगर 1,00,000 से ज़्यादा बट 10,00,000 तक की मनी चेंजिंग ट्रांजेक्शन में कर रहे हो तो फिर 1,00,000 का तो 1,000 और उससे ऊपर वाले पर 0.5% का आप मार्जिन कमा रहे हो, उस हिसाब से आप अपना टोटल वैल्यू निकालोगे। और अगर 10,00,000 से ज़्यादा की मनी चेंजिंग ट्रांजेक्शन में करी, 10,00,000 से ज़्यादा की, तो फिर आप क्या करेंगे, 10,00,000 तक का तो पीछे वाले के हिसाब से निकालोगे जो कि 5,500 बनेगा और 10,00,000 से ऊपर जितने की भी मनी चेंजिंग करोगे उसमें आपका मार्जिन 0.1% का है वो मानते हुए आप ऐड कर लोगे। और मैक्सिमम इन एनी के 60,000 से ज्यादा की वैल्यू जो होगी वो आपसे नहीं ली जाएगी। और एक लास्ट बात इन्होंने ये बोली थी, अगर आप 32(2)(b) में आना चाहते हो, इस ऑप्शन में आना चाहते हो, तो ये ऑप्शन 1 साल के लिए होगा, एक बार एक्सरसाइज कर लेने के बाद आप इसे विड्रॉ नहीं कर पाओगे। दिस वॉज स्पेशल वैल्यूएशन एज टू द मनी चेंजिंग। ठीक है जी, फिर उसके बाद इसको आप साइड रखो। फिर उसके बाद अगली कहानी आई एयर ट्रेवल एजेंट के लिए सिंपल बात उन्होंने लिखी। एयर ट्रेवल एजेंट, तुम एयर ट्रेवल टिकट बुकिंग का काम करते हो, अब एयर ट्रेवल्स की जो टिकट बुकिंग तुम करवाते हो तो उस केस में पैसेंजर से तुम कुछ पैसा कमाते हो, वो तुम्हारी सर्विस की वैल्यू है। तुम एयरलाइन से कमीशन कमाते हो, वो तुम्हारी सर्विस की वैल्यू है। बेटा ये जो एयर ट्रेवल एजेंट है ये वो पर्सन है जो कि एयरलाइंस और कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट कराता है और ये दोनों जगह से कंसिडरेशन अर्न करता है। नॉर्मली इसे एयरलाइन से जो मिला और कस्टमर से जो भी मिला वो इसकी सर्विस की वैल्यू है। एयरलाइन से जो भी कमीशन मिला और कस्टमर से इसने जो भी चार्जेस लिए वो इसकी सर्विस की वैल्यू है नॉर्मली। लेकिन 32(3) में इसको कहा गया था कि तुम्हें हम ऑप्शनल बेसिस पर ये कह रहे थे कि तुम अगर चाहो तो अपनी ये स्पेशल वैल्यू यूज़ कर सकते हो। और इसको जो स्पेशल वैल्यू दी गई थी वो स्पेशल वैल्यू कहा गया था, तुमने जो टिकट बुक कराई, तुमने
जो टिकट बुक कराई, हम उस टिकट में जो बेस फेयर होगा, उस टिकट में जो बेस फेयर होगा उसका एक नोशनल परसेंटेज तुम्हारी कमाई मानेंगे, तुम्हारी सप्लाई की वैल्यू मानेंगे। तुमने जो टिकट बुक कराई उस टिकट में जो बेस फेयर कंपोनेंट होगा, बेस फेयर कंपोनेंट का मतलब जिसके ऊपर आपको एयरलाइंस एक्चुअल में कमीशन देती है, हम उस बेस फेयर का एक नोशनल परसेंटेज तुम्हारी सप्लाई की वैल्यू मानेंगे। और वो जो नोशनल परसेंटेज था वो क्या था, वो उन्होंने बोला था अगर टिकट तुमने डोमेस्टिक बुकिंग कराई है तो हम 5% बेस फेयर का 5% तुम्हारी कमाई, तुम्हारी सर्विस की वैल्यू मानेंगे। अगर इंटरनेशनल बुकिंग कराई है तो फिर 10% हम तुम्हारी कमाई सर्विस की वैल्यू मानेंगे। सर एक्चुअल में एयर ट्रेवल एजेंट को इतना कमीशन मिलता ही नहीं है, उसको तो बहुत कम मिलता है। अगर कम मिलता है तो उन्होंने नहीं बोला कि ये मैंडेटरी है, ये क्या है, ऑप्शनल। अगर आपको लगता है आप जो कमा रहे हो वो इन डीमिंग परसेंटेज से कम कमा रहे हो तो आप नॉर्मल वैल्यूएशन करो, अगर आपको लगता है वहां ज्यादा कमा रहे हो तो फिर आप ऑप्शनल इस स्पेशल वैल्यूएशन को जो है वो यूज कर सकते हैं। चलिए जी, फिर उसके बाद थर्ड वन 32(4), ये बनाया गया था इंश्योरेंस बिजनेस करने वाले के लिए। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, ध्यान रखिएगा नॉट जनरल इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करती है उनके लिए इन्होंने ये स्पेशल वैल्यूएशन जो था वो बनाया। और इस स्पेशल वैल्यूएशन में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा जी देखो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में एक तो प्योर रिस्क पॉलिसी कंपनी कस्टमर को देती है और एक वो पॉलिसी देती है कंपोजिट पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में जो पॉलिसी ऑफर की जाती है उनको प्योर रिस्क पॉलिसी, जिसका बेसिकली मतलब यह है कि आपको हमने पॉलिसी दी, रिस्क कवर दे दिया कि पॉलिसी के पीरियड के दौरान कुछ हुआ तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी होती है कंपोजिट पॉलिसी जो ये कहती है कि अगर पॉलिसी के पीरियड के दौरान आपको कुछ हुआ तो ये पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो पॉलिसी का पीरियड खत्म होने पर आपने जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम दिया था वो विद बोनस आपको वापस दे दिया जाएगा। अब पहली पॉलिसी में प्रीमियम कम होता है, दूसरी पॉलिसी में ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली पहली में क्योंकि उनको पता है कि हम हमसे जो भी पैसा ले रहे हैं वो कुछ होने पर देना है, दूसरी में उन्हें पता है कुछ ना होने पर भी देना है, तो यहाँ प्रीमियम जो है वो ज़्यादा होता है। अगर प्योर रिस्क पॉलिसी की बात करोगे तो बेटा ये 5,000 रुपये की अगर आपको एनुअल मिलेगी तो कंपोजिट पॉलिसी वो 20,000 रुपये और महंगी जो होगा वो आपको मिलेगी। अब जो इंश्योरेंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने क्या कह रखा है कि प्योर रिस्क पॉलिसी के केस में इंश्योरेंस प्रीमियम आप जो भी ले रहे हो वो आपकी कमाई है, वो आपकी कमाई है। लेकिन कंपोजिट पॉलिसी के केस में उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को ये बोल रखा है आप जो भी प्रीमियम ले रहे हो वो आपकी कमाई नहीं है क्योंकि आपने उसे वायदा किया है वापसी देने का, तो इस पैसे का एक हिस्सा जो होगा वो तुम शुरुआत से ही सेपरेट इन्वेस्टमेंट फंड बना करके उसमें डाल देना ताकि उस व्यक्ति को सब्सिक्वेंटली जो है वो वापस किया जा सके। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट फंड में डाल दिया जाता है प्रीमियम का पोर्शन वो उनकी सप्लाई की वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पैसा तो सामने वाले को वापसी देना है। इस प्रीमियम का सिर्फ वो कंपोनेंट जो इन्वेस्टमेंट फंड में नहीं डाला जाता वो आपकी सप्लाई की वैल्यू है, वो आपकी सप्लाई की वैल्यू है। प्योर रिस्क के केस में सारा पैसा आपकी कमाई है वो आपकी सप्लाई की वैल्यू है। कंपोजिट पॉलिसी के केस में प्रीमियम का एक हिस्सा जो इन्वेस्टमेंट फंड में नहीं गया सिर्फ वो आपकी सप्लाई की वैल्यू है। अब उन्होंने बोला कि आप नॉर्मली प्योर रिस्क पॉलिसी के केस में पूरे प्रीमियम पर टैक्स देंगे, कंपोजिट के केस में जो कम इन्वेस्टमेंट फंड में नहीं गया उस पर टैक्स देंगे, लेकिन आपको एक स्पेशल वैल्यूएशन भी हम दे रहे हैं, लेकिन आपको स्पेशल वैल्यूएशन भी हम दे रहे हैं। अब याद करें स्पेशल वैल्यूएशन जो उन्होंने दिया था इसको उन्होंने प्योर रिस्क पॉलिसी पर नहीं दिया था। प्योर रिस्क पॉलिसी के ऊपर स्पेशल वैल्यूएशन नहीं चलेगा, इसका वैल्यूएशन तो नॉर्मल तरीके से ही होगा। उन्होंने 32(4) में जो स्पेशल वैल्यूएशन दिया था वो सिर्फ और सिर्फ कंपोजिट पॉलिसी के रिस्पेक्ट में दिया था। स्पेशल वैल्यूएशन इन्होंने जो भी दिया है वो सिर्फ कंपोजिट पॉलिसी के रिस्पेक्ट में दिया है। और कंपोजिट पॉलिसी के केस में उन्होंने क्या बोला जी, अगर आपकी जो कंपोजिट पॉलिसी है उसमें आपने पॉलिसी होल्डर को ब्रेकअप बता रखा है, ब्रेकअप बता रखा है, तो फिर
आपके वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं होगा, तब आपका वैल्यूएशन स्पेशल वैल्यूएशन भी करोगे तो सेम ही तरीके से करोगे, मतलब टोटल प्रीमियम में से इन्वेस्टमेंट हटाओगे, बाकी के ऊपर जो होगा वो जीएसटी दोगे। हाँ, लेकिन अगर आपका केस वो है कि आप कंपोजिट पॉलिसी दे रहे हो और सामने वाले को आपने इस प्रीमियम 20,000 के प्रीमियम का कोई ब्रेकअप कम्युनिकेट नहीं किया है कि 20,000 में कितना इन्वेस्टमेंट एलोकेशन है, कितना आप रखते हो, अगर आपने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है तो उस वाले केस में आपको रियल, आपको जो होगा वो रियल स्पेशल वैल्यूएशन का इंपैक्ट नजर आएगा। और बेटा उन्होंने इस केस में स्पेशल वैल्यूएशन आपको बोला था कि आप जितने की पॉलिसी बेच रहे हो उसका सर्टेन परसेंटेज आपकी सप्लाई की वैल्यू है, ये हम मानेंगे। अगर आपकी पॉलिसी क्या है, कंपोजिट पॉलिसी, और आप सामने वाले को डिफरेंस कि कितना इसमें इन्वेस्टमेंट फंड में डालते हो, कितना अपने पास रखते हो, ये कम्युनिकेट नहीं करते हो, तो उस वाले केस में स्पेशल वैल्यूएशन मिलेगा। और स्पेशल वैल्यूएशन क्या कहता था, जो भी आपका टोटल प्रीमियम होगा उसकी सर्टेन परसेंटेज ही आप रखते हो, वही आपकी सप्लाई की वैल्यू है, वो मान लिया जाएगा। और वो परसेंटेज कितनी थी वो आपको याद करके जानी है, वो परसेंटेज डिपेंड करेगी कि कौन सी पॉलिसी आपने बेची। अगर आपने बेची है एन्युटी पॉलिसी, रिटायरमेंट वाली जो होती है, और सिंगल प्रीमियम वाली, तो परसेंटेज अलग थी। इन केस ऑफ ऑल अदर पॉलिसीज परसेंटेज जो थी वो अलग थी। अगर आपने बेची एन्युटी पॉलिसी रिटायरमेंट वाली, रिटायरमेंट पर जो आपको बेनिफिट देंगे, और आपने वो एन्युटी पॉलिसी सिंगल प्रीमियम पे करके पॉलिसी होल्डर को दी है, तो बेटा परसेंटेज क्या थी, तो आपकी परसेंटेज थी 10%। तो आपकी परसेंटेज क्या थी, 10% प्रीमियम अमाउंट का 10% माना जाएगा कि ये आप अपने पास रखते हो। अगर आपकी एनी अदर पॉलिसी है, एनी अदर पॉलिसी का मतलब एन्युटी पॉलिसी विद मल्टीपल प्रीमियम, या आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें मर जाने पर आप पैसा देते हो, तो वो वाली पॉलिसी के केस में परसेंटेज डिपेंड करेगी। उन्होंने बोला था फर्स्ट ईयर में जो प्रीमियम मिलेगा उसमें आपकी कमाई 25% मानी जाएगी, और सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो आपको प्रीमियम आएगा उसमें आपकी कमाई जो होगी वो 12.5% की जो होगी वो मानी जाएगी। फर्स्ट ईयर में जो है वो मानी जाएगी आपकी कितनी, 25%, एंड सब्सिक्वेंट ईयर में जो है वो मानी जाएगी आपकी 12.5%, 12.5%। ये हमारे पास 32(4). फिर उसके बाद हमारे पास है 32(5), वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 32(5) बना हुआ था मार्जिन स्कीम के नाम से हम इसे जानते हैं। 32(5) में कौन लोग कवर होते थे, सेकेंड हैंड गुड्स के डीलर, वो लोग जिनका बिजनेस क्या है, सेकेंड हैंड गुड्स खरीदा, उनको एसएच या छोटा मोटा रिपेयर वर्क करके जो है वो बेच दिया, वो लोग जो है वो स्कीम में कवर होते हैं। और ये स्कीम मार्जिन स्कीम क्यों बोली जाती है बेटा, क्योंकि ये स्कीम उन लोगों को क्या कहती थी, आपने सेकेंड हैंड गुड्स हो सकता है 5,000 रुपये का बेचाओ, बट हम 5,000 रुपये जिस पर आप बेचोगे वो वैल्यू ऑफ सप्लाई लेने की बजाय आपको स्पेशल वैल्यूएशन क्या दे रहे थे कि आप जितने का बेचोगे उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानने की बजाय आपने बेच के जितना मार्जिन कमाया वो जो होगा वो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर सेकेंड हैंड गुड्स डीलर। अच्छा, सेकेंड हैंड गुड्स में चाहे आप गाड़ी में डील करते हो, टीवी में डील करते हो, फ्रिज में डील करते हो, पेंटिंग्स में डील करते हो, एनी गुड्स, पर दिस इज ओनली फॉर सेकेंड हैंड गुड्स डीलर। लेट मी रिपीट, उनसे हमने बोला था कि आप गुड्स सेकेंड हैंड बेचोगे शायद 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, लेकिन आप जिस प्राइस पर बेचोगे, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल ट्रांजेक्शन वैल्यू, उसको नहीं यूज करेंगे, रेदर देन आपने बेच के जो मार्जिन कमाया उसको जो होगा वो हम यूज करेंगे। और वो मार्जिन कैलकुलेट कैसे करेंगे, व्हाट इज योर सेल प्राइस ऑफ दैट गुड माइनस व्हाट इज योर परचेज प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। आपका सेल प्राइस उस सेकेंड हैंड गुड्स का क्या था माइनस आपका परचेज प्राइस जो है उस सेकेंड हैंड गुड्स का क्या है, तो ये जो डिफरेंस आपका मार्जिन बनेगा हम सिर्फ इस मार्जिन पर आपसे जीएसटी लेंगे। सर इट इज़ वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैं 5,000 का बेच रहा हूँ, 5,000 पर जीएसटी नहीं लिया जा रहा, रेदर देन मैं अगर उसे बेच करके मैंने खरीदा 4,000 का था तो सिर्फ 1,000 पर लिया जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन साथ में इसमें एक कंडीशन थी कि ये अगर आप चाहते हैं तो आपने उस सेकेंड हैंड गुड्स को परचेज करते टाइम अगर कोई जीएसटी दिया था तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ये आपका सेक्रीफाइस है। आपको नो डाउट बेनिफिट दिया गया,
ग्रोस वैल्यू नहीं टैक्स की गई, वैल्यू नेट कर दी गई, बट बैकएंड पर जो है वो बेनिफिट छीन लिया गया, आप उसका आईटीसी जो होगा वो क्लेम नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना था, इसमें ये बात आपको ध्यान में रखनी थी, नंबर वन, अपने को आईटीसी जो क्लेम नहीं करना वो सिर्फ जो गुड्स बेचे हैं उनका क्लेम नहीं करना। मेरे बिजनेस में अदर इनपुट्स मैंने जो यूज़ किए, अदर कैपिटल गुड्स जो यूज़ कर रखी हैं मैंने, अदर इनपुट सर्विस जो ले रखी है, उन सब के आईटीसी मिलेंगे। जो नहीं मिलेगा वो सिर्फ जो गुड्स बेचा है उसके परचेज पर जो आईटीसी बनता था मुझे, सिर्फ वो नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, मार्जिन कैसे निकालते हो, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। और बेटा परचेज प्राइस कैसे निकालोगे, अगर हाउस होल्ड एंटिटी से माल खरीदा बिना जीएसटी का तो वो प्राइस एज इट इज परचेज प्राइस है, और अगर आपने बिजनेस एंटिटी से कोई पुराने गुड्स खरीदे हैं पर वो जीएसटी लगा करके मिले हैं तो परचेज प्राइस आपका वो जीएसटी मिला करके जो होगा वो लिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, क्या कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने जो गुड्स थे वो लॉस पर बेच दिए, अगर लॉस पर बेच दिए तो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ सप्लाई नेगेटिव तो नहीं हो सकती, वो इग्नोर की जाएगी, वो इग्नोर की जाएगी। एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज, अगर आपने 5000 का खरीदा, 5000 का खरीदा और 4000 का बेचा, सॉरी उल्टा हो गया, आपने 5000 का बेचा और खरीदा था 4000 का, तो 1000 रुपए का जो मार्जिन था वो आपकी सप्लाई की वैल्यू बनेगा। अगर आपने 5000 का बेचा पर खरीदा 6000 का था, मतलब लॉस पर बेचा, तो फिर आप वैल्यू इग्नोर करके चलेंगे, आप मान लेंगे जैसे कि इसकी वैल्यू है ही नहीं और अकॉर्डिंगली कोई जीएसटी इस पर नहीं देना। अच्छा, इस केस में आप क्या बोलोगे, आपकी सप्लाई एग्जेम सप्लाई है या एग्जेम सप्लाई नहीं है? नहीं है, एग्जेम सप्लाई नहीं है। ध्यान में रखना, आपने ये स्पेशल स्कीम यूज करी, स्पेशल स्कीम में आप लॉस पर बेच गए हो तो आपने इग्नोर कर दी, बट आपकी ये सप्लाई एग्जेम सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगी, बिकॉज एग्जेम सप्लाई की डेफिनेशन लॉ ने अपनी स्पेसिफिक दे रखी है सेक्शन 247 में। जो 247 में एग्जेम सप्लाई होती है वो क्या होती है, नंबर वन निल रेटेड सप्लाई, वो सप्लाई जिस पर निल रेट नोटिफाइड है, या फिर होली एग्जेम्प्टेड सप्लाई जिसके ऊपर एग्जम्पशन से जीएसटी जीरो बनाया गया है, एंड नंबर थर्ड नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिन पर जीएसटी की लेवी नहीं आती, दैट इज लिकर या फिर 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स की सप्लाई। इस केस में जो सप्लाई है उसकी वैल्यू जीरो है, दिस इज नॉट निल रेटेड सप्लाई, कोई एग्जम्पशन नोटिफिकेशन नहीं है, दिस इज नॉट होली एग्जम सप्लाई, एंड डेफिनेटली ये लिकर और 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स वाली नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, तो ये एग्जम सप्लाई की डेफिनेशन में कहीं भी फिट नहीं बैठेगी। और बेटा ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एग्जम सप्लाई की डेफिनेशन में कहीं भी फिट नहीं बैठेगी, इसी वजह से अगर आपने लॉस पर भी बेचा, आप जीएसटी नहीं दोगे पर अपने बिजनेस के अदर इनपुट्स, हाँ अपने बिजनेस के अदर इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस के आईटीसी क्या आप बुक कर पाओगे? यस, आप बुक कर पाओगे। आप प्रॉफिट पर बेचोगे तो भी ले पाओगे आईटीसी, आप लॉस पर बेचोगे तो भी आप अपने आईटीसी ले पाओगे। जो आईटीसी आपको नहीं लेने, वो सिर्फ कौन से लेने नहीं है, जो सेकंड हैंड गुड्स बेच रहे हो उसके ऊपर अगर कोई आईटीसी है वो नहीं लेना, बाकी सब अदरवाइज आप आईटीसी ले पाओगे, वेदर यू आर सेलिंग एट प्रॉफिट, वेदर यू आर सेलिंग एट लॉस, दिस इज योर मार्जिन स्कीम। ओके, अब इसके ऊपर आपके पास जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं, और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया, आपको एक छोटा सा डिफरेंस और ध्यान में रखना है कि मार्जिन स्कीम और कंपोजिशन स्कीम दोनों अलग अलग बातें हैं। That's a very important difference. Certain लोग कहेंगे कि नहीं, यहाँ भी ITC नहीं है, वहाँ भी नहीं होता, तो मैं यहाँ पर आपको क्लैरिटी देना चाहता हूँ। मार्जिन स्कीम एंड कंपोजिशन स्कीम अलग अलग बातें हैं। मार्जिन स्कीम 32(5) में है, कंपोजिशन स्कीम थी सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट। मार्जिन स्कीम इज ओनली एंड ओनली फॉर सेकेंड हैंड गुड्स डीलर, कंपोजिशन स्कीम इज मच वाइडर इन स्कोप, दैट इज फॉर एनी सप्लायर ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, दैट इज एनी सप्लायर ऑफ सर्विस। कंपोजिशन स्कीम वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो उन सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए बनाई गई है जो छोटे लेवल पर ऑपरेट करते हैं, टर्नओवर का रेस्ट्रिक्शन है उसमें 175 लाख। जबकि मार्जिन स्कीम में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सेकेंड हैंड गुड्स के डीलर हैं, टर्नओवर आपका 10 करोड़ का हो तो भी आप 32(5) को यूज कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम में सप्लायर को अपनी सप्लाई पर जब जीएसटी भरना होता है तो उसकी वैल्यू
में कहीं कुछ स्पेशल नहीं होता, वो वैल्यू नॉर्मल तरीके से निकालता है, उसकी रेट्स कंसेशनल होती हैं। जबकि मार्जिन स्कीम में रेट्स के ऊपर कोई चेंज नहीं है, मार्जिन स्कीम वैल्यू को चेंज करती है। कंपोजिशन स्कीम में जो आदमी काम करता है उसे कोई भी ITC नहीं दिया जाता है, कोई भी एक सिंगल रुपीस का ITC नहीं दिया जाता है। जबकि मार्जिन स्कीम में पर्सन को जो है वो जो सेकेंड हैंड गुड्स बेच रहा है उसके ITC नहीं मिलते, बाकी सारे ITC दिए जाते हैं। कंपोजिशन स्कीम में जो आदमी होता है वो जब सप्लाई करता है वो कभी टैक्स इनवाइस नहीं काटता, वो काटता है बिल ऑफ सप्लाई, वो सामने वाले से कोई GST चार्ज नहीं कर सकता है। मार्जिन स्कीम में पर्सन जब बेचेगा टैक्स इनवाइस काटेगा और सामने वाले से GST भी जो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंगली चार्ज करेगा। तो देयर इज एन नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस स्कीम एंड द कंपोजिशन स्कीम, काइंडली बी वेरी क्लियर एज टू द डिफरेंसेस। चलिए फिर उसके बाद 32 में आगे बढ़ते हैं। बाकी के जो दो केसेस हैं वो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। 32.6 बात करता था वाउचर्स की, कि अगर वाउचर्स दिए गए जिसके अगेंस्ट बाद में पर्सन गुड जो है वो रिडीम करा सकता है, तो 32.6 में बोला गया था इस केस में जो वैल्यू ली जाएगी वो वाउचर देने पर क्या पैसा मिला वो नहीं, रेदर देन जो मनी वैल्यू ऑफ गुड्स होगे, जो मनी वैल्यू होगी उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो इस वाउचर के अगेंस्ट रिडीम कराए जा सकेंगे वो वैल्यू जो होगी वो ली जाएगी। वाउचर आपने 900 का बेचा, फेस वैल्यू 900 है, लेकिन उसके अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विस 1500 के आप दे रहे हो, तो जो वैल्यू ली जाएगी वो 1500 ली जाएगी, ये 32.6 कहता था। बाकी इसके ऊपर एग्जाम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इस पर कोई डिस्कशन और नहीं लेना। 32.7 ये लगता था नोटिफाइड सप्लायर ऑफ सर्विसेज ओनली, और इसमें भी ये तब लगेगा जब वो नोटिफाइड सप्लायर पब्लिक डीलिंग नहीं कर रहे, मतलब वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में कोई सप्लाई कर रहे हैं। तो 32.7 इट इज ओनली फॉर नोटिफाइड सप्लायर ऑफ सर्विसेज, और नोटिफाइड सप्लायर ऑफ सर्विस जब आपस में डीम डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब उनकी ब्रांचेस वगैरह जब आपस में कोई ट्रांजेक्शन करेगी उसके लिए 32.7 बनाया गया था। और 32.7 में उनको कहा गया था कि आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि इस केस में अगर आपने आपस में कोई ट्रांजेक्शन किया सर्विस की सप्लाई का तो आप उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई निल ले सकते हैं, मतलब आपको कोई GST पे करने की जरूरत नहीं होगी। 32.7 नोटिफाइड पर लगेगा और एट प्रेजेंटली कुछ भी नोटिफाइड नहीं है, इस वजह से 32.7 प्रेजेंटली इज अ थ्योरेटिकल प्रोविजन, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो 32 में बाकी के जो मैंने आपको बताए वो रेलेवेंट है, उनको अच्छे से आपने रिवाइज करना है। ये हमारा हो गया जी स्पेशल वैल्यूएशन, सेक्शन 15.5 ये स्पेशल वैल्यूएशन को बोलता था, जो ये कहता था नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आपका स्पेशल वैल्यूएशन प्रेस्क्राइब किया जाएगा। और स्पेशल वैल्यूएशन के दो रूल हैं, 31A वो गुड्स के लिए है एक्शनेबल क्लेम और वो मैंडेटरी है, 32 जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए है पर वो ऑप्शनल है, पसंद आए तो ये स्पेशल वैल्यू लो नहीं तो नॉर्मल तरीके से चलते हुए चलो। ठीक है जी, अब एक और बात जो ध्यान में रखनी है, अब बेटा सेक्शन 15.5 वो ये कहता था नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस की स्पेशल वैल्यू हम प्रेस्क्राइब करके बताएंगे और ये दो रूल्स बना दिए, बट यहां पर एक स्पेशल बात जो ध्यान में रखनी है, स्पेशल वैल्यू रूल्स के थ्रू बनाई जा सकती है, स्पेशल वैल्यू रूल्स के थ्रू बनाई जा सकती है, बट प्रैक्टिकलिटी में जब हम एक्चुअल GST इंप्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं तो हमें यह दिख रहा है दो केसेस में स्पेशल वैल्यू उन्होंने रूल्स के थ्रू नहीं बनाई, रेदर देन नोटिफिकेशन इशू करके दी है। वैसे मैं बताऊं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उनके पास नोटिफिकेशन से स्पेशल वैल्यू देने की पावर नहीं है, क्योंकि सेक्शन 15.5 ने यह बोल रखा है कि स्पेशल वैल्यू कभी भी दी जाएगी तो वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में दी जाएगी, एंड GST में प्रेस्क्राइब का मतलब होता है प्रेस्क्राइब बाय रूल्स। पर फिर भी प्रैक्टिकली दो जगह उन्होंने नोटिफिकेशन से स्पेशल वैल्यू दे रखी है और वो प्रैक्टिकली अप्लाई भी की जाती है, तो अब उन दो स्पेशल वैल्यू के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब वो जो दो स्पेशल वैल्यू है वो एक है हमारे पास कंस्ट्रक्शन सेक्टर रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें हमने आपके साथ बात करी थी कि अगर कोई बिल्डर है जो अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिट्स बेच देता है
तो आप सब लोगों को पता है अंडर कंस्ट्रक्शन बेचोगे तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। अगर आप कंप्लीट होने के बाद बेचते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह के बाद तो नहीं आता, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन सप्लाई के स्कोप में आता है। अब सप्लाई के स्कोप में आता है तो जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी लगेगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाली जाएगी। यूनिट बेची गई है 3 करोड़ की, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल 3 करोड़ है, पर वैल्यू ऑफ सप्लाई 3 करोड़ नहीं ली जाएगी, 1/3 माइनस किया जाएगा, 2/3 जो होगी वो वैल्यू ली जाएगी। ये रियल एस्टेट के टैक्सेशन सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो स्पेशल वैल्यू है ये नोटिफिकेशन से बताई गई है बेटा, इसका कोई रूल नहीं है। जैसे हमारे पास ये था, कायदे से रूल बना के स्पेशल वैल्यू बतानी चाहिए बिकॉज 15(5) ऐसा कहता है, पर कोई बात नहीं, चलो उन्होंने नोटिफिकेशन से बोली और ये प्रैक्टिकली चल रही है तो हमें तो नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये स्पेशल वैल्यू है। अच्छा, इसके अलावा एक और जगह जो स्पेशल वैल्यूएशन बनाई गई है वो एक सर्विस सी ट्रांसपोर्टेशन की जो है वहां पर स्पेशल वैल्यूएशन बताया गया है, सी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। और ये एक बड़ा स्पेशल केस है जहां पर उन्होंने स्पेशल वैल्यूएशन बताई है। इसमें क्या स्टोरी है, इसमें ये स्टोरी है कि एज एन इम्पोर्टर मैं बाहर के किसी पर्सन से गुड्स खरीदता हूँ, मैं वो गुड्स इंडिया में इम्पोर्ट कर रहा हूँ। अब जिस पर्सन से मैंने ये गुड्स खरीदे हैं, मैंने उसको कहा है कि गुड्स इंडिया में तू भेजेगा, उसने कहा ठीक है, और उसने मुझे एक प्राइस दे दिया विच इज सी आई एफ प्राइस की इस टोटल प्राइस पर मैं तुझे इंडिया में गुड्स भेजूंगा। लेट्स सपोज दैट सी आई एफ प्राइस इज 1,20,000। अब उस पर्सन को मैंने बोला है गुड्स तू मुझे इंडिया में भेजेगा, तो उसने जो भी प्राइस दिया होगा क्या उसने गुड्स की वैल्यू और भेजने का खर्चा सब ले लिया होगा? यस। और लेट्स सपोज वो प्राइस उसने मुझे 1,20,000 दिया। अब ये पर्सन इंडिया में मेरे पास गुड्स भिजवाने के लिए एक फॉरेन शिपिंग कंपनी को बुक करता है। अब फॉरेन शिपिंग कंपनी उस फॉरेन के सप्लायर के साथ शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इंडिया में गुड्स भेजने का। फॉरेन शिपिंग कंपनी फॉरेन के सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इंडिया में गुड्स भेजने का। ये बेटा एक बड़ी यूनिक पोजीशन है, फॉरेन की शिपिंग कंपनी वो सर्विस दे रही है। किसको दे रही है? फॉरेन के सप्लायर को। लेकिन जो सर्विस है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो इंडिया में आएंगे। अब इस केस में क्योंकि गुड्स इंडिया में आ रहे हैं तो सर्विस की सप्लाई इंडिया में हो रही है एज पर जीएसटी प्रोविजन प्लेस ऑफ सप्लाई रूल। और कहानी क्या बन गई कि पार्टीज फॉरेन की है जिन्होंने काम किया, जिसने सर्विस देनी है वो बाहर का है, जिसको सर्विस दी गई है वो बाहर का है, पर सर्विस इंडिया में दी गई है। और जीएसटी के लॉ में बेटा अगर सर्विस इंडिया में दी गई है तो जीएसटी वालों के पास ये पावर है कि उसके ऊपर वो जीएसटी की डिमांड कर सकते हैं, और इसको इंटर स्टेट सप्लाई में कैटेगराइज किया जाता है। अब इस सप्लाई के ऊपर जो आईजीएसटी लायबिलिटी आती है वो किससे ली जाए, सर्विस देने वाली शिपिंग कंपनी बाहर है, सर्विस जिसने ली वो शिपिंग कंपनी बाहर है, तो फिर जीएसटी हम किससे ले? और उन्होंने बोला देखो कि जीएसटी तो हम लेंगे, ये दोनों बाहर है कोई बात नहीं, ये गुड्स जिसने मंगाई है वो इंपोर्टर इंडिया का है, उसको उन्होंने लायबल बना दिया, काम तो तरीके का नहीं किया बट हवस की अपनी पूर्ति कर ली और उसको लायबल बना दिया। अब इंपोर्टर जिसको लायबल बना दिया, सबसे पहले तो इंपोर्टर ने यह बोला कि मुझे लायबल ही क्यों बना दिया, उन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन है, उनमें से किसी से बात करो, मेरे को कहां से लायबल बना दिया। और मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कुछ इंपोर्टर ने इसको चैलेंज भी किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस लेवल को कैंसिल भी कर दिया है, वो अभी लेकिन लेटेस्ट की बात है, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर करो। मान लो इंपोर्टर लायबल है, तो अगर इंपोर्टर लायबल है तो उसे जीएसटी देना पड़ेगा, तो उसे वैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो उसे सेक्शन 15 पढ़ना पड़ेगा। अब इंपोर्टर ये बोला जिस काम के लिए तुमने मुझे लायबल बना दिया, फॉरेन शिपिंग कंपनी के काम के लिए मुझसे टैक्स लेना चाहते हो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने फ्रेट कितना चार्ज किया है, तो उन्होंने बोला जी कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, आपको हम नोटिफिकेशन से बोल रहे हैं, आपने गुड्स खरीदे, आप मान लो जितने के गुड्स खरीदे उसका 10% खर्चा लगा होगा फ्रेट का, वो आपकी डीम्ड स्पेशल वैल्यू मानी जाएगी, आपको उसके ऊपर जो होगा वो जीएसटी भरना पड़ेगा। अरे ओके विद दिस, तो एक्चुअल में शिपिंग कंपनी बाहर की, वो बाहर वाले सेलर को सर्विस दे रही थी बट प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में था, उस पर टैक्स बनता था, तो उस टैक्स को लेने के लिए उन्होंने इंपोर्टर को लायबल बना दिया। इंपोर्टर कह रहे हैं मुझे पता नहीं कि उनके बीच में फ्रेट कितना तय हुआ है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जो सीआईएफ वैल्यू पर गुड्स खरीदे हैं उसका 10% मान लो फ्रेट का खर्चा है, इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई लेते हुए जो है वो जीएसटी भर दो। ये नोटिफिकेशन से उन्होंने प्रेस्क्राइब किया। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, इतनी बात ध्यान में रखिएगा। बाकी एक्चुअल में क्या हुआ, इम्पोर्टर ने
मई में इस लेवी को लेकर के एक बड़ी जीत हासिल करी है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये जो इम्पोर्टर को बिना बात का लायबल बनाया गया ये ठीक नहीं है और इन्होंने इसको क्वैश जो है वो कर दिया है। ये मई में किया है उन्होंने 2022 में। चल सकते हैं जी आगे। तो ये स्पेशल वैल्यूएशन नोटिफिकेशन वाले हो गए हमारे पास। फिर उसके बाद बेटा वैल्यूएशन के चैप्टर में कुछ मिसलेनियस प्रोविजन वो हमारे पास है 33, 34, 35। 33 मैंने आपको बता ही दिया प्योर एजेंट वाला। 34 अब 34 जो है ये आप वहां यूज करेंगे जब आप जिस गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई का वैल्यूएशन कर रहे हैं उसका प्राइस फॉरेन एक्सचेंज में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने एक्सपोर्ट किया किसी गुड्स का या सर्विस का तो आपने डॉलर्स में उसके प्राइस कोट किए, पर उससे एसोसिएटेड जो वैल्यू निकालनी है वो रुपीज़ में निकालनी है तो आपको रूल 34 की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस की बात हो रही है तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स को तो छोड़ दो क्योंकि वो तो कस्टम हैंडल करेगा, लेकिन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की अगर बात हो रही है जिसको GST ने हैंडल करना है तो उधर आपने इम्पोर्ट करी होगी सर्विस डॉलर्स में पर वैल्यूएशन रुपीज़ में करना है, GST रुपीज़ में देना है, तो अकॉर्डिंगली जो होगा आपको रूल 34 की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज 34 आपका बात करता है एप्लीकेबल फॉरेन एक्सचेंज रेट की, कि अगर कभी भी वैल्यूएशन करते टाइम आपको फॉरेन करेंसी में वैल्यू है और उसे रुपीज़ में निकालना है तो फिर आप एक्सचेंज रेट किस तरीके से कौन सी जो होगा वो यूज़ करेंगे। ऑन 34 इज प्रीटी सिंपल, ये कहता है गुड्स की बात अलग करते हैं सर्विस की बात अलग करते हैं। वो कहता है सो फार एज गुड्स आर कंसर्न, गुड्स के इम्पोर्ट ऑफ गुड्स उसको तो साइड कर लो क्योंकि वो तो कस्टम्स के थ्रू कलेक्ट होता है, उसके ऊपर सभी कस्टम के प्रोविजन चलते हैं, पर हाँ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है आपको अगर एक्सचेंज रेट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप CBIC ने कस्टम में जो एक्सचेंज रेट नोटिफाई कर रखी होगी हम उन्हीं रेट को जो होगा वो यूज़ करेंगे। और बात आई कि ये कौन से दिन की यूज़ करेंगे तो उन्होंने बोला हमारे GST लॉ में ये ट्रांजेक्शन जिस दिन सप्लाई किया जा रहा है हम उस दिन की एक्सचेंज रेट जो चल रही होगी उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, गुड्स का आप कभी भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वो सप्लाई है किस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको सप्लाई मानते हुए GST देना होता है वो सेक्शन 12 में बताया गया है। तो आप जो भी गुड्स का सप्लाई ट्रांजेक्शन कर रहे हो सेक्शन 12 में उसका जो भी टाइम ऑफ सप्लाई है उस दिन उस गुड्स के ऊपर जो एप्लीकेबल एक्सचेंज रेट कस्टम वाली चल रही थी उसको हम यूज़ करेंगे। अब अगली बात आती है सर्विस के लिए, तो सर्विस के लिए प्लीज ध्यान में रखिएगा सर्विस का इंपोर्ट हो या सर्विस का एक्सपोर्ट हो, सर्विस के केस में कस्टम्स का कोई रोल नहीं आता है। सर्विस के केस में कस्टम इज ओनली फॉर गुड्स, सर्विस के केस में कस्टम का कोई रोल नहीं आता है तो उन्होंने ये प्रोवाइड किया सर्विस का इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो सर्विस के केस में हमेशा ही GST लॉ हैंडल करेगा। अब GST लॉ हैंडल करेगा तो GST लॉ ने बोला सर्विस के केस में एक्सचेंज रेट कस्टम वाली का मतलब ही नहीं आता तो आप कस्टम यहाँ जो एक्सचेंज रेट यूज़ करेंगे वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से यूज़ करेंगे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो आपका बेटा ICI लेट डाउन करती है थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड यू मस्ट हैव रेड दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का। तो आप अकाउंटिंग पर्पजेज के लिए जो एक्सचेंज रेट यूज़ कर रहे हैं एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वही एक्सचेंज रेट जो है वो आपको सर्विसेज का वैल्यूएशन करते टाइम जो है वो कंसीडर करनी है। और कौन से दिन की तो उन्होंने बोला इस सर्विस को हम किस पॉइंट ऑफ टाइम पर सप्लाई मानते हैं सेक्शन 13 में बताया गया है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको सर्विस लायबिलिटी आती है तो उस हिसाब से जो भी आपकी एक्सचेंज रेट चल रही होगी वो आपको यूज़ करनी है। एक्सचेंज रेट में कभी भी इशू आएगा ना तो बेटा दो ही इशू आते हैं कि आपको एक्सचेंज रेट लगानी कौन सी है क्योंकि RBI की अलग होती है, कस्टम अलग नोटिफाई करता है और अदरवाइज जिस बैंक के थ्रू आप काम कर रहे होते हो वो अलग होती है। तो इशू यही आता है कौन सी एक्सचेंज रेट यूज़ करें और कौन से दिन की, वो दोनों इशू इसने मैनेज करके दे दिए हैं। गुड्स के केस में CBIC वाली नोटिफाइड यूज़ करो और गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 में जिस दिन मानी जाती है उस दिन वाली यूज़ करो। सर्विसेज के केस में जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाली यूज़ करो और सर्विसेज की जो सप्लाई है वो जिस टाइम पर सेक्शन 13 में मानी जाती है वो वाली दिन की एक्सचेंज रेट यूज़ करो। दिस इज योर रूल नंबर 34। ऑन द लास्ट एंड फाइनल रूल एसोसिएटेड विद द वैल्यूएशन इज रूल नंबर 35।
दिस इज प्रिटी सिंपल। वो ये कहता है कि अगर किसी सप्लायर ने सप्लाई करी और वो सप्लाई का जो प्राइस लिया, अगर उसने वो जीएसटी इंक्लूसिव प्राइस लिया, वैसे तो नॉर्मली सप्लायर क्या करते हैं, ये प्राइस जीएसटी एक्स्ट्रा, बट देयर आर मेनी सेक्टर जहां पर प्राइस जो दिया जाता है वो जीएसटी इंक्लूसिव दिया जाता है। अगर वो जीएसटी इंक्लूसिव प्राइस है और आपको उस प्राइस में से वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, जीएसटी को बाहर करना है। तो जीएसटी को बाहर करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, उस प्राइस के ऊपर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो भी जीएसटी का रेट है वो आप अप्लाई कर देंगे। रूल 35 में सिंपली ये लिख करके दिया है। एंड विद दिस आवर एंटायर वैल्यूएशन सिस्टम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी इज ओवर। आई एम प्रिटी श्योर यू मस्ट बी क्लियर एज टू द एंटायर एलिमेंट जो कि हमने बात करी है। थैंक यू एवरीवन।